हे गाइस, बहुत सब आप कैसे हैं? आप सभी लोग बहुत बहुत स्वागत है आप सबका आज के इस अमेजिंग से सेशन में। फाइनली एकाग्रता ब्रांड की टी शर्ट के साथ हम लोग यहां पर आज आ गए हैं। सुबह जो डीटी का सेशन हुआ वो भी आज एकाग्रता की ड्रेस में था, और अभी जो ये आईडीटी का सेशन मैं आप लोगों के सामने लेने जा रहा हूँ ये भी एकाग्रता ब्रांड की टी शर्ट में। बहुत मजा आ रहा है यार। एंड यस, गुड आफ्टरनून टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू। जितने भी स्टूडेंट्स यूट्यूब पर देख रहे हैं और जितने भी स्टूडेंट्स यहाँ पर ऐप पे भी देख रहे हैं, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद एक बार फिर से कि आप लोगों ने सब्सक्रिप्शंस लिए, आप लोग आए यहाँ पर। और जितने भी स्टूडेंट्स यूट्यूब पर देख रहे हैं, मैं आपको भी बताना चाहता हूँ कि ekagrata.co.in पर जाकर आप बैचेस परचेज कर सकते हो। बोथ ग्रुप्स कॉम्बो पर अभी 50% का ऑफ चल रहा है, तो काफी अच्छा होगा अगर आप लोग वो वाला ले लोगे। 27,000 रुपीज में आपको 6 सब्जेक्ट्स सीए इंटरमीडिएट के मिल रहे हैं फॉर May 24 एग्जामिनेशंस, राइट? सो जितने भी स्टूडेंट्स यहाँ पर नए हैं, माय नेम इज निशांत कुमार, आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट बाय क्वालिफिकेशन एंड एन एजुकेटर बाय पैशन। आई एम द को फाउंडर ऑफ एकाग्रता एजुसर्व्स। आई एम द ऑथर ऑफ वेरियस बुक्स। नवंबर 2023 के लिए मेरी टैक्स की बुक्स आ गई हैं, नॉट फॉर May 24, नवंबर 2023 के लिए मेरी टैक्स की बुक्स आ गई हैं। यू कैन परचेज देम फ्रॉम माय वेबसाइट www.kumarnishant.com, राइट? आप kumarnishant.com पर जाकर मेरी नवंबर 23 की टैक्स की बुक्स को परचेज कर सकते हो। नवंबर 23 के लिए जीएसटी का फास्ट ट्रैक बहुत जल्दी आएगा, उसके लिए मैं अनाउंसमेंट करूंगा, प्लीज उसके लिए परेशान मत हो। लेकिन तब तक आप वो बुक्स परचेज करके अपनी पढ़ाई कर सकते हो, अमेंडमेंट्स देख सकते हो कहाँ कहाँ पर आए हैं, क्योंकि जो जो अमेंडमेंट्स है वो बोल्ड में दिए हुए हैं। बहुत सारे एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी मैंने दिए हुए हैं, तो आप वहां से उनकी भी प्रैक्टिस कर सकते हो। आफ्टर थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स इन द लास्ट 7 इयर्स, आई हैव बीन एन एजुकेटर एट एन अकेडमी फॉर्मरली, राइट? ये मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है, सीए निशांत कुमार। सीए निशांत कुमार पे मैं लगातार अपडेट्स देता रहता हूँ अपनी क्लासेस के बारे में, और भी बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेशनल और मोटिवेशनल रील्स मैं आप लोगों के साथ शेयर करता रहता हूँ। तो आप लोग इंस्टाग्राम पे मेरे को फॉलो कर सकते हो। आई टीच मैथमेटिक्स टू सीए फाउंडेशन एंड टैक्सेशन टू सीए इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स। लेट्स गेट स्टार्टेड विद आवर टुडेज सेशन, एंड दैट इज चैप्टर नंबर 2, सप्लाई अंडर जीएसटी। कल हम लोगों ने समझा कि जीएसटी से प्रॉब्लम्स क्या क्या है। जीएसटी ने उन प्रॉब्लम सॉरी जीएसटी से प्रॉब्लम्स नहीं है, कल हम लोगों ने कल तक हमने समझा, पिछली 2 क्लासेस में हम लोगों ने ये देखा था कि कैसे जो सेल्स टैक्स वाला सिस्टम था उसमें डबल टैक्सेशन और टैक्स ऑन टैक्स यानी कैस्केडिंग इफेक्ट, ये दोनों चीजें हो रही थी, राइट? हम लोगों ने कल तक ये समझा था। फिर हमने परसों ही देख लिया था कि कैसे वैट आया और वैट ने इस प्रॉब्लम को इंट्रा स्टेट लेवल पर सॉल्व किया, ठीक है? फिर हमने कहा कि वैट इस प्रॉब्लम को इंटर स्टेट लेवल पर सॉल्व क्यों नहीं कर पाया, ये भी हम लोगों ने देखा, ठीक है? वैट इस प्रॉब्लम को इंटर स्टेट लेवल पर क्यों नहीं सॉल्व कर पाया, ये भी हम लोगों ने देखा। एक सेकंड रुकना, मैं बस थोड़ा सा एसी का टेम्परेचर बढ़ा दूं या फैन की स्पीड कम कर दूं। कि वैट ने इस प्रॉब्लम को इंट्रा स्टेट लेवल पर तो सॉल्व किया, लेकिन वैट इस प्रॉब्लम को इंटर स्टेट लेवल पर सॉल्व नहीं कर पाया, राइट? ओके, नहीं कर पाया तो नहीं कर पाया, कोई बात नहीं भाई, नहीं कर पाया तो उसको सॉल्व करने के लिए आया जीएसटी, ठीक है? जीएसटी में मैंने आपको बताया कि जीएसटी का जो पर्पज है वो ये है कि किसी भी ट्रांजेक्शन पर आधा पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट को मिलना चाहिए और आधा पैसा उस स्टेट को मिलना चाहिए जिस स्टेट में फाइनल कंजम्पशन हो रहा है, ठीक है? अब चाहे वो इंट्रा स्टेट हो चाहे वो इंटर स्टेट हो, लेकिन अल्टीमेटली आधा पैसा उस स्टेट को मिलना चाहिए जिसमें फाइनल कंजम्पशन हो रहा है गुड्स का या सर्विसेज का, ठीक है? हम लोगों ने कल ये भी समझा कि जीएसटी ने इस प्रॉब्लम को इंट्रा स्टेट लेवल पर कैसे सॉल्व किया, और फिर हमने ये भी समझा कि जीएसटी ने इस प्रॉब्लम को इंटर स्टेट लेवल पर कैसे सॉल्व किया, ठीक है? ये सारी बातें हम लोगों ने कल पढ़ी थी कि किस तरह से गवर्नमेंट्स के बीच में फ्लो ऑफ क्रेडिट होता है, किस तरह से किस किस को किस ट्रांजैक्शन के बाद कितना कितना पैसा मिलता है, ये सारी की सारी बातें हम लोगों ने कल देखी थी। उसके बाद हम लोगों ने बात की थी कि जीएसटी इज लेवीड ऑन द सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ, ठीक है? जीएसटी इज लेवीड ऑन द सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ। इसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि देखो, जब गुड्स को देते हैं तो उसके लिए टर्म यूज होता है सेलिंग, जब हम सर्विसेज देते हैं तो उसके लिए टर्म यूज होता है प्रोविजन, ठीक है? तो सेलिंग ऑफ गुड्स, प्रोविजन ऑफ सर्विसेज, ये सब तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन अगर गुड्स और सर्विसेज दोनों के लिए कोई एक कॉमन टर्म यूज करना है तो फिर आप कौन सा टर्म यूज करते हो, एंड दैट टर्म इज सप्लाई, ठीक है? तो इस सप्लाई को बोल देते हैं कि ये जो है ये टैक्सेबल इवेंट है, ये जो है ये टैक्सेबल इवेंट है, ठीक है?
या देखो जिसको भी जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम्स है ना, यहाँ पर देख सकते हो आप मेरे नीचे, ठीक है, बैनर में वो दिया हुआ है, ekagrata.co.in वाली वेबसाइट भी दी हुई है और एक फोन नंबर भी दिया हुआ है। तो आप उस फोन नंबर पे कॉन्टैक्ट करके अपनी जो भी आपको क्वेरीज हैं वो कर सकते हो, बट प्लीज मेक श्योर कि यू कॉल देम इन ऑफिस आवर्स। ऑफिस आवर्स मंडे टू सैटरडे, मंडे टू सैटरडे, संडे इज क्लोज। संडे हम लोग क्लासेस ले रहे हैं, संडे आप लोग पढ़ाई कर रहे हो, ठीक है, लेकिन ऑफिस जो है वो संडे को क्लोज रहता है। मंडे टू सैटरडे सुबह 10:30 बजे से लेकर शाम को 6:30 बजे तक आप ये काम कर सकते हो, आप कॉल करके अपनी क्वेरीज पूछ सकते हो, ठीक है। ये ऐप में क्लास नहीं चल रही है, वेबसाइट नहीं चल पा रही है, डेस्कटॉप में क्लासेस नहीं चल रही है, जो जो भी आपकी प्रॉब्लम्स हैं वो सारी की सारी आप इस नंबर पर कॉल करके अपनी क्वेरीज को रिजॉल्व करवा सकते हो, ठीक है। चलो तो ये हो गया। अब टैक्सेबल इवेंट जीएसटी में क्या है, टैक्सेबल इवेंट जीएसटी में है सप्लाई, राइट। तो इस पूरे चैप्टर में हम लोग सप्लाई का मतलब समझेंगे, हम लोग सप्लाई का मतलब समझेंगे और हम स्कोप ऑफ सप्लाई समझेंगे कि भाई ये सप्लाई का स्कोप क्या है, कहां तक, किस चीज को सप्लाई बोलना है, किस चीज को सप्लाई नहीं बोलना है, ये सारी चीजें हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने जा रहे हैं, ठीक। सेक्शन 7 स्कोप ऑफ सप्लाई, सेक्शन 7 तो है लेकिन कौन से एक्ट का है, ठीक है, तो ध्यान से सुनना। यहां पर मैं आप लोगों को अगले चैप्टर में ऐसे और डिटेल में बताऊंगा, जब हम चैप्टर नंबर 3 करेंगे ना, चार्ज जॉब जीएसटी, तो मैं उसमें इस चीज को थोड़ा सा और हाईलाइट करूंगा, लेकिन अभी मैं आपको बता देता हूं। एक है सीजीएसटी एक्ट, एक है सीजीएसटी एक्ट 2017, ठीक है, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स एक्ट 2017, ठीक है, एक है आईजीएसटी एक्ट 2017, ठीक है, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स एक्ट 2017। जो कुछ भी सीजीएसटी एक्ट में है वही पूरा एज इट इज कॉपी पेस्ट आईजीएसटी एक्ट में भी है, थोड़ा सा चेंजेस है। अब इसकी क्या स्कोप है, क्यों है, ये सब उसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे जब हम चैप्टर 3 में आएंगे, ठीक है। और हर स्टेट का अपना खुद का स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स एक्ट है, ठीक है। तो जैसे मैं उत्तर प्रदेश में हूं तो उत्तर प्रदेश के लिए स्टेट उत्तर प्रदेश गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स एक्ट, महाराष्ट्र के लिए महाराष्ट्र गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स एक्ट, और वो भी पूरा सीजीएसटी को छापा हुआ है, वो भी पूरा सीजीएसटी को छापा हुआ है। तो मेन एक्ट जो है वो है सीजीएसटी। तो आपको कभी भी कहीं पर भी अगर कोई सेक्शन नंबर मेंशन हो, जैसे यहां पर मेंशन है ना सेक्शन 7 स्कोप ऑफ सप्लाई, तो ये सेक्शन 7 कौन से सेक्शन का, कौन से एक्ट का है, ये सेक्शन 7 सीजीएसटी एक्ट का है, ठीक है। ये जो सेक्शन 7 है ये सीजीएसटी एक्ट का है, ठीक है, पहली बात तो ये क्लियर हो गई, राइट। अब देखो आप, अब मेरी बात जरा बहुत ध्यान से सुनना, ये जो सेक्शन 7 है ना, इस सेक्शन 7 को पढ़ने में कम से कम हमारी 3 नहीं तो 4 क्लासेस लगने वाली हैं, सिर्फ एक सेक्शन को पढ़ने में, ठीक है। और ये मैं गारंटी दे रहा हूं कि आपको लगातार ये सारी चीजें याद होती चलेंगी, ठीक है। मतलब अभी सेक्शन 7 अगर आप देखोगे ना इसमें, तो सेक्शन 7 कितना बड़ा है आप लोग यहां पर देख सकते हो, ठीक है, ये 3 स्लाइड्स का सेक्शन 7 है, ठीक है। दिस इज सेक्शन 7, दिस इज सेक्शन 7 सब सेक्शन 1, 1A, 2 एंड 3, ठीक है। सेक्शन 7 के अंदर सब सेक्शंस 1, 1A, 2 एंड 3, 4 सब सेक्शंस हैं सेक्शन 7 के अंदर, ठीक है, सेक्शन 7 के अंदर 4 सब सेक्शंस हैं और अच्छा खासा बड़ा है, लेकिन मेरी गारंटी है आपको 4 क्लासेस हमारी लगेंगी सेक्शन 7 में, और उन 4 क्लासेस के बाद आपको पूरा सेक्शन 7 मुंह जुबानी रटा हुआ होगा, पूरा रटा हुआ होगा, मतलब आपके दिमाग में एक पिक्चर बन चुकी होगी, ठीक है। लेकिन अब मेरी बात पहली, मतलब मैं एकदम पहले से ही बोल रहा हूं जिससे बाद में प्रॉब्लम्स ना आए, जब हम इस सेक्शन को पढ़ना स्टार्ट करेंगे ना, आपके बीच बीच में काफी आएंगे डाउट्स। हाँ जी सॉरी, तो मैं आपसे कह रहा था कि सप्लाई जो है इसमें 4 दिन लगेंगे, ठीक है, 4-5 दिन लगेंगे। और मैं पहले ही लेक्चर में, मैं स्टार्ट करने से पहले ही एक डिस्क्लेमर दे रहा हूं, मैं स्टार्ट करने से पहले ही आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि यार टाइम लगेगा, ठीक है, बीच बीच में चीजें कंफ्यूजिंग भी लगेंगी, बीच बीच में चीजें कंफ्यूजिंग भी लगेंगी, लेकिन उन सब का रेजोल्यूशन होगा। और मैंने आपको जैसे पहले बताया था कि आईडीटी में, मतलब जीएसटी में, ऐसा जरूरी नहीं है कि आपका किसी एक चैप्टर का डाउट उसी चैप्टर में सॉल्व हो जाए, ठीक है। चैप्टर 2 में आपको, मतलब ये जो सप्लाई वाला चैप्टर है, इसमें आपके डाउट्स आएंगे, मैं आपको बताऊंगा कि देखो आपका ये डाउट है, लेकिन वो वाला डाउट सॉल्व होगा चैप्टर 8 में या चैप्टर 9 में जाकर, ठीक है, ऐसा होगा। वो मैं आपको मेंशन करते हुए चलूंगा, जिससे आप ये मत सोचो कि अरे यार हमारा तो डाउट अधूरा रह गया, ठीक है। तो मैं आपको वो मेंशन करता चलूंगा क्योंकि मुझे पता है आपके क्या क्या डाउट्स आएंगे, क्योंकि यार ऑब्वियसली जो आपके डाउट्स हैं वही तो मेरे भी डाउट्स रहे होंगे ना जब मैंने पहली बार पढ़ा होगा,
ठीक है। तो वो सारी की सारी चीजें हम आगे इवेंचुअली आगे आने वाले चैप्टर्स में हम लोग देखते हुए चलेंगे, तो आप लोग बिल्कुल भी चिंता करना मत। ठीक है, ये सेक्शन बहुत बड़ा है, ये सेक्शन बहुत ज्यादा बड़ा है, बीच बीच में हो सकता है आप लोगों को लगे कि यार ये पता नहीं क्या ही चल रहा है, लेकिन बिल्कुल चिंता मत करो, मैं एक एक चीज आपको लिख लिख के समझाऊंगा। और नोट्स अगर आप लोग देखोगे तो पूरे प्रॉपर नोट्स बने हुए, पूरे प्रॉपर नोट्स, मतलब एज इफ आई एम सिटिंग देयर एंड टीचिंग टू यू, दैट इज हाउ आई हैव मेड द नोट्स। ठीक है, कि कोई अगर वो पढ़ेगा भी ना तो उसको सब कुछ समझ में आ जाएगा बहुत अच्छे से, लेकिन हाँ टाइम लगेगा। ठीक है, तो टाइम देने के लिए तैयार हो? एक बार जल्दी से यहाँ पर जितने भी लोग प्लस पर देख रहे हैं, जो मतलब जितने भी लोग यहाँ पर ऐप पर देख रहे हो, जितने भी लोग यहाँ पर यूट्यूब पे देख रहे हैं, एक बार फटाफट से बता दो क्या आप लोग तैयार हो टाइम देने के लिए? प्रॉमिस कर रहे हो मेरे से कि हाँ सर हम कंफ्यूज नहीं होंगे, हम परेशान नहीं होंगे, पूरा ट्रस्ट है और आप जो कराओगे उसको मान लेंगे, क्या आप लोग तैयार हो इस चीज को लेकर? कम ऑन कम ऑन कम ऑन, यहाँ पर ऐप पे और यहाँ पर यूट्यूब पे, यस यस यस, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ हम लोग यहाँ पर बैठेंगे और 3-4 दिन में ये सेक्शन 7 चलेगा, बहुत अच्छे से हम लोग प्रिपेयर करते हुए चलेंगे। यस डन डन, वेरी नाइस, थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू। आ जाओ अब देखते हैं, सेक्शन 7 बताता है कि सप्लाई होता क्या है। ठीक है, अब इसमें सेक्शन 7 का तुम सबसेक्शन 1 देखो, सबसेक्शन 1 क्या कह रहे हैं, सप्लाई इंक्लूड्स ऑल फॉर्म्स ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ सच एज सेल, ट्रांसफर, बार्टर, एक्सचेंज, लाइसेंस, रेंटल, लीज और डिस्पोजल मेड और अग्रीड टू बी मेड फॉर अ कंसिडरेशन बाय अ पर्सन इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। ठीक है, पहले तो भाई साहब इसी चीज के बारे में बात की जाए, पहले तो इसी चीज के बारे में बात की जाए। ठीक है, यहां पर बोला जा रहा है कि हर तरह की सप्लाई, सप्लाई में क्या आता है, सप्लाई में आता है हर तरह की सप्लाई, किसकी सप्लाई, गुड्स या सर्विसेज या दोनों की। ठीक है, मतलब अगर कोई चीज ऐसी है जो ना तो गुड्स है ना तो सर्विसेज है, तो उसकी सप्लाई क्या सप्लाई की डेफिनेशन में आएगी? नहीं। अब एक डाउट आएगा कि सर ऐसा क्या हो सकता है जो ना तो गुड्स हो ना तो सर्विस हो, उसके लिए हमें जाना पड़ेगा गुड्स और सर्विसेज की डेफिनेशन में कि हाउ हैज द लॉ डिफाइंड गुड्स, हाउ हैज द लॉ डिफाइंड सर्विसेज। ठीक है, उसके लिए हमें यहां पर जाना पड़ेगा कि गुड्स क्या है और सर्विसेज क्या है। ठीक, उसके लिए हम लोगों को यहां पर जाना पड़ेगा कि गुड्स क्या है, सर्विसेज क्या है। ठीक है, तो सप्लाई इंक्लूड्स ऑल फॉर्म्स ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ, ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ सच एज सेल, ट्रांसफर, बार्टर, एक्सचेंज, लाइसेंस, रेंटल, लीज और डिस्पोजल। 8 चीजें इसने यहां पर बताई हुई है। ठीक है, इसने यहां पर 8 चीजें बताई हुई हैं, सेल, ट्रांसफर, बार्टर, एक्सचेंज, लाइसेंस, रेंटल, लीज, डिस्पोजल। ठीक है, ये 8 चीजें इसने यहां पर बताई हैं। क्या इन 8 चीजों के अलावा भी कुछ सप्लाई है? हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। पहली बात तो सर ये 8 चीजों का मतलब क्या है, सब मिलती जुलती सी चीजें लग रही है। सर बार्टर क्या होता है, सर एक्सचेंज क्या होता है, सर लाइसेंस और रेंटल में क्या फर्क है, ठीक है रेंटल और लीज में क्या फर्क है, ये डिस्पोजल का क्या मतलब होता है, ये सारी की सारी चीजें हम लोग समझते हुए चलेंगे। ठीक है, ये सारी की सारी चीजें हम लोग समझेंगे, मैं अभी आपको बता रहा हूं, सुनो। चलो इससे पहले कि आप लोगों को थोड़ा सा और कंफ्यूजन हो, मैं आप लोगों को एक अश्योरिटी देते रहा हूं, ये सेक्शन 7 बेयर एक्ट का सेक्शन है, 1, 1A, 2 और 3, ये एकदम बेयर एक्ट का है। उसके बाद आप इधर देखो, एनालिसिस ऑफ सेक्शन 7(1)(a), ठीक है, अंडरस्टैंडिंग सेल, ट्रांसफर, बार्टर, एक्सचेंज, लाइसेंस, रेंटल, लीज, डिस्पोजल। तो ये सारी की सारी चीजें जो भी आप सोच सकते हो ना, अंडरस्टैंडिंग मेड और अग्रीड टू बी मेड, एक एक चीज, कंसिडरेशन का मतलब, एक एक चीज यहां पर मैंने नोट्स में आप लोगों को देकर रखी हुई है। ठीक है, एक एक चीज, तो बिल्कुल भी चिंता मत करना, आपके मैंने आपसे कहा आपके सारे के सारे डाउट्स क्लियर होंगे, मुझे पता है। ये जैसे ही मैं पढ़ाने शुरू करता हूं ना तो काफी वो आता है, और इससे रिलेटेड ये भी मत सोचना कि सर इसका हम रिवीजन कैसे करेंगे वगैरह वगैरह, सब कुछ क्लियर है। आप जरा इस चैप्टर को देखो, ऑलमोस्ट 90 क्वेश्चंस दिए हैं मैंने, 90 से ज्यादा ही होंगे, एक बार देख लेते हैं। ठीक है, ये मैं आपको सिर्फ इसलिए बता रहा हूं कि टेंशन बिल्कुल मत लेना किसी भी चीज की, टोटल 96 क्वेश्चंस है, टोटल 96 क्वेश्चंस है इस वाले चैप्टर में जो मैंने आप लोगों को दिए हुए। ठीक है, तो द पॉइंट इज कि आप लोग बिल्कुल भी चिंता मत करना, किसी भी चीज की चिंता मत करना कि कैसे होगा क्या होगा, क्योंकि बहुत नई चीज है, अलग तरीके से पढ़ाई पढ़ना, तो इसको अलग तरीके से पढ़ना होगा और अलग तरीके से इसको डील करना होगा। ठीक है, तो यहां पर मेरे को आपकी अटमोस्ट पेशेंस की जरूरत है, जो इन नेक्स्ट 4-5 दिन में रुक गया, जो अगले 4-5 दिन रुक गया ना, वो तो मतलब मस्त है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जिसने बस कह रहा हूं बस 4-5 दिन दे दो मेरे को, ठीक
ठीक है, बस 4-5 दिन दे दो, 5वें 6वें दिन में ना तुम्हें ऑलरेडी लगेगा कि भाई साहब क्या चीज है ये, क्योंकि पूरा सेक्शन 7 तुम्हारे दिमाग में छप चुका होगा, एक एक चीज रट चुकी होगी और हर क्वेश्चन का जवाब आप अपने आप देने के लिए तैयार हो चुके होंगे। यू विल बी एबल टू आंसर ईच एंड एवरी क्वेश्चन ऑन योर ओन, लेकिन हाँ टाइम लगेगा, टाइम लगेगा। ठीक है, तो पूरी पेशेंस के साथ यहां पर बैठना और जो जो मैं बता रहा हूं, जैसे जैसे बता रहा हूं, उसको आराम आराम से सुनते रहना। ठीक है, डन। चलो, तो सप्लाई में क्या क्या आता है? सप्लाई इंक्लूड्स ऑल फॉर्म्स ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ, सच एज सेल, ट्रांसफर, बार्टर एक्सचेंज, लाइसेंस, रेंटल, लीज और डिस्पोजल, मेड और अग्रीड टू बी मेड। मेड और अग्रीड टू बी मेड का मतलब है कि कोई जरूरी नहीं है कि मैंने आपको सप्लाई अभी तुरंत कर दी है। जैसे आपने एकाग्रता को फीस दी, ठीक है, आपने एकाग्रता को फीस दी और अब मैंने अभी तुरंत सब कुछ पढ़ा नहीं दिया है, मैं आपको पढ़ाने का वादा कर रहा हूं। आई हैव अग्रीड टू मेक दिस सप्लाई, ठीक है, आई हैव अग्रीड टू मेक दिस सप्लाई, कि आपने पैसा दे दिया है, अब मैं आपको पढ़ाऊंगा, तो मैं आपको पढ़ाऊंगा, आई हैव अग्रीड टू टीच यू, तो ये भी एक सप्लाई हो जाती है। फॉर अ कंसिडरेशन, कंसिडरेशन का होना बहुत जरूरी है। नो कंसिडरेशन नो सप्लाई, मतलब क्या हो गया? अगर मैं किसी को ऐसी फ्री में गिफ्ट दे रहा हूं तो क्या वो भी सप्लाई हो जाएगी? नहीं। मैं आपको ये आईफोन गिफ्ट कर दूं, क्या ये सप्लाई है? नहीं, नहीं है, क्योंकि आपसे मैं कुछ पैसे नहीं ले रहा हूं। ठीक है, कर दो कर दो कर दो, करते हैं, ठीक है, कर देंगे, ठीक है, कर देंगे कर देंगे, हाँ हाँ भाई पगला ही गए, ठीक है, कर देंगे। ठीक, देखो ये हो गया फॉर अ कंसिडरेशन बाय अ पर्सन। अब यहां पर पर्सन का मतलब क्या है? यहां पर पर्सन का मतलब होता है टैक्सेबल पर्सन। यहां पर पर्सन का मतलब है टैक्सेबल पर्सन, यहां पर पर्सन का मतलब वो डीटी वाले पर्सन से कंफ्यूज मत करना, ठीक है। यहां पर पर्सन का मतलब अलग है, सर ऐसे कैसे हो सकता है? हाँ होता है, वहां पर पर्सन इनकम टैक्स एक्ट में डिफाइंड है, यहां पर पर्सन यहां पर डिफाइंड है जीएसटी एक्ट में डिफाइंड है, तो पर्सन का मतलब तो अलग अलग होगा। यहां पर पर्सन का मतलब है टैक्सेबल पर्सन। टैक्सेबल पर्सन का मतलब क्या है? टैक्सेबल पर्सन का मतलब वो है अ पर्सन हु इज लायबल टू गेट हिमसेल्फ रजिस्टर्ड अंडर द जीएसटी एक्ट। ठीक है, उधर क्या पढ़ा था हम लोगों ने? उधर हमने कहा था असेसी कौन होता है? एनी पर्सन हु इज रिक्वायर्ड टू पे टैक्स। यहां पर हम क्या कह रहे हैं? एनी पर्सन हु इज लायबल टू गेट हिमसेल्फ रजिस्टर्ड अंडर द जीएसटी एक्ट। अब इसके बारे में हम लोग डिटेल में बात करेंगे, ठीक है, बाद में बात करेंगे, ठीक। और फिर लास्ट चीज है इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, ठीक है, ये जो भी चीज आप दे रहे हो ये बिजनेस के कोर्स और फर्दरेंस में होनी चाहिए, मतलब बिजनेस एक्टिविटी होनी चाहिए, ये पर्सनल एक्टिविटी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, मतलब सर अगर मैं बिजनेस में किसी को मोबाइल गिफ्ट करूंगा तो क्या ये सप्लाई होगा? अभी मैंने कहा मैं अगर आपको ऐसे ही मोबाइल गिफ्ट कर देता हूं तो ये सप्लाई नहीं होगा क्योंकि कंसिडरेशन नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर मैंने बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, बिजनेस एक्टिविटी की तरह से किसी को मोबाइल गिफ्ट कर दिया तो क्या ये सप्लाई होगा? देखेंगे उसको, लेकिन अभी फिलहाल के लिए आप ये समझ सकते हो भाई कंसिडरेशन तो मिसिंग है ना। अगर मैं बिजनेस में भी गिफ्ट दे रहा हूं तो भी कंसिडरेशन तो मिसिंग है ना। तो ये सारी की सारी चीजें होनी चाहिए अगर आपको इसको सप्लाई बोलना है तो, ठीक है। तो सप्लाई इंक्लूड्स ऑल फॉर्म्स ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ, सच एज सेल, ट्रांसफर, बार्टर एक्सचेंज, लाइसेंस, रेंटल, लीज, डिस्पोजल, मेड और अग्रीड टू बी मेड फॉर अ कंसिडरेशन बाय अ पर्सन इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। अभी आप चिंता मत करो, बिल्कुल ये आपको रट चुका होगा, ठीक। अच्छा, उसके बाद ये जो पॉइंट डबल ए है ना, इसको अभी जाने दो, इसको अभी फिलहाल जाने दो, ठीक है। आप बी पर आओ। बी क्या कह रहे हैं? इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज फॉर अ कंसिडरेशन वेदर और नॉट इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। ये बात वही चल रही है, सप्लाई में क्या क्या आएगा? सप्लाई इंक्लूड्स, और सप्लाई इंक्लूड्स में लिखा हुआ है इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज फॉर अ कंसिडरेशन, मतलब अगर आपने सर्विसेज को इंपोर्ट किया और उस पर कंसिडरेशन पे किया तो चाहे वो बिजनेस पर्पज के लिए हो चाहे वो बिजनेस पर्पज के लिए ना हो फिर भी उसको सप्लाई मानेंगे, ठीक है, फिर भी उसको सप्लाई मानेंगे। और फिर लिखा हुआ है यहां पर द एक्टिविटी स्पेसिफाइड इन शेड्यूल वन मेड और अग्रीड टू बी मेड विदाउट अ कंसिडरेशन। कुछ एक्टिविटीज शेड्यूल वन में मेंशन है जो अगर आपने की इवन विदाउट कंसिडरेशन तब भी उसको सप्लाई मानेंगे, तब भी उसको सप्लाई मानेंगे। बिल्कुल चिंता मत करो, मुझे पता है कि क्या चल रहा है आप लोगों के दिमाग में, इन सभी चीजों को डिस्कस करते हुए हम लोग चलेंगे, ठीक है। देख मैं आपको एक ब्रीफ ओवरव्यू बता रहा हूं, कोई अभी कुछ लिखेगा नहीं, ठीक है, किसी को कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है। सप्लाई में ना ये है सेक्शन 7, ठीक है, ये है सप्लाई का सेक्शन 7। इसमें सबसेक्शन 1,
सबसेक्शन 1A, सबसेक्शन 2, सबसेक्शन 3, ठीक है, कोई लिखने की जरूरत नहीं है, बाद में सब कुछ आपको लिखवा दूंगा, बनवा दूंगा अपने आप, अभी कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। सबसेक्शन 1 के अंदर आता है चार पार्ट्स, ए ए ए, बी और सी, ठीक है। ए बताता है सप्लाई इंक्लूड्स, सप्लाई इंक्लूड एक्चुअली ये बताता है सप्लाई इंक्लूड्स, सप्लाई इंक्लूड्स व्हाट, सप्लाई इंक्लूड्स ए ए ए, बी एंड सी, ठीक है। सेक्शन 7 के अंदर ये जो सबसेक्शन 1 है ये कह रहा है सप्लाई इंक्लूड, सप्लाई में क्या क्या आएगा, सप्लाई में क्या क्या आएगा, तो सप्लाई में ये चार चीजें आएंगी, ए ए ए, बी और सी, ठीक है। ए क्या है, सेल ट्रांसफर बार्टर एक्सचेंज लाइसेंस रेंटल लीज डिस्पोजल, ठीक है। ऑल फॉर्म्स ऑफ सप्लाई, ऑल फॉर्म्स ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ सच एज सेल ट्रांसफर बार्टर एक्सचेंज लाइसेंस रेंटल लीज डिस्पोजल मेड और अग्री टू बी मेड फॉर अ कंसिडरेशन इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, ठीक है। डबल ए अभी फिलहाल के लिए जाने दो, डबल ए अभी फिलहाल के लिए जाने दो। ये कह रहा है इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज, ये कह रहा है इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज होनी चाहिए, कंसिडरेशन के लिए होनी चाहिए, फिर भले ही वो बिजनेस के लिए हो चाहे बिजनेस के लिए ना हो उसको सप्लाई माना जाएगा, ठीक है। इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज होनी चाहिए, कंसिडरेशन होना चाहिए, फिर भले ही वो बिजनेस पर्पस के लिए हो चाहे ना हो उसको सप्लाई माना जाएगा, ठीक है। ये कह रहा है कि कुछ ऐसी एक्टिविटीज हैं जो कि शेड्यूल 1 में मेंशन है, कुछ ऐसी एक्टिविटीज हैं जो कि शेड्यूल 1 में मेंशन है, उनमें अगर कंसिडरेशन नहीं भी हो पर वो बिजनेस के पर्पस के लिए हो तो उसको सप्लाई माना जाएगा, ठीक है। अभी तक देखो इसमें क्या है, इसमें ये है कि इन सारी चीजों के लिए कंसिडरेशन भी चाहिए, बिजनेस पर्पस के लिए भी चाहिए, बिजनेस पर्पस भी चाहिए, ठीक है। जो सेल ट्रांसफर बार्टर एक्सचेंज लाइसेंस रेंटल लीज डिस्पोजल है इसमें कंसिडरेशन भी चाहिए, बिजनेस पर्पस भी चाहिए, ठीक है। ये वाली जो एक्टिविटी है इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज वाली, इसमें इसने कहा कि देखो अगर कंसिडरेशन है तो बिजनेस के लिए चाहे हो चाहे बिजनेस के लिए ना भी हो तब भी उसको सप्लाई मानेंगे, ठीक है। उसके बाद ये जो कह रहा है ये क्या कह रहा है, देखो कुछ एक्टिविटीज शेड्यूल 1 में मेंशन है वो अगर बिजनेस के लिए है भले ही उनमें कंसिडरेशन ना हो, उनमें कंसिडरेशन इन्वॉल्व ना हो फिर भी उसको सप्लाई मानेंगे, फिर भी उसको सप्लाई मानेंगे। एक तरह से आप कह सकते हो कि ये जो है बी और सी इसके एक्सेप्शंस हो गए, एक तरह से कह सकते हो, बाकी ये सब कहने की जरूरत है नहीं, ठीक है। एक चीज यहां पर और आती है, एक चीज यहां पर और आती है, जैसे मैंने जैसे ही यहां पर ये बताया ना कि शेड्यूल 1 में कुछ ऐसी एक्टिविटीज हैं जिनमें अगर कंसिडरेशन नहीं भी हो तब भी उसको सप्लाई माना जाएगा, ठीक है। तो आपके दिमाग में आएगा कि सर अगर उसको सप्लाई मानेंगे तो मतलब जीएसटी लगाएंगे, कहूंगा आप ओके वे यू गोइंग विद इट, तो आप कहोगे सर अगर जीएसटी लगाएंगे तो हमें कोई ना कोई तो वैल्यू चाहिए होगी। जैसे कल तक जब आप बता रहे थे कि आपने 100 रुपए का सामान बेचा, ठीक है, इसके ऊपर आपने 18% का जीएसटी लगाया, तो 18 रुपए का जीएसटी लगा, 118 रुपए का सेलिंग प्राइस हुआ, ठीक है। तो ये 18% किसी वैल्यू के ऊपर तो लगाया ना, अगर सप्लाई हुई तो जीएसटी लगेगा, जीएसटी तो किसी वैल्यू के ऊपर लगेगा ना। यहां पर आप कह रहे हो कंसिडरेशन है नहीं, अगर कंसिडरेशन नहीं है तो वैल्यू कैसे पता चलेगी, वैल्यू नहीं पता चलेगी तो फिर जीएसटी कैसे लगेगा, ठीक है। ये सारे डाउट्स आपके आ रहे होंगे, सब सॉल्व होंगे, सब सॉल्व होंगे इवेंचुअली, अभी फिलहाल के लिए आप ये मत मानो कि सप्लाई है तो जीएसटी लगेगा ही लगेगा, ठीक है। क्योंकि आगे चलकर कई सारी ऐसी भी सप्लाईज के बारे में हम लोग बात करेंगे जिन पर जीएसटी नहीं लगता है, जिनको एग्जेम्प्ट सप्लाईज बोला जाता है, आगे चलकर बात करेंगे, काफी बात की बातें, ठीक है। अभी क्योंकि आपके इमीडिएट डाउट्स आ रहे हैं तो जब तक मैं उनको सेटिस्फाई नहीं करूंगा तब तक आप भी आगे उतने फोकस के साथ नहीं बढ़ पाओगे। जितने भी स्टूडेंट्स यूट्यूब पे देख रहे हैं आप लोगों के भी यही डाउट्स होंगे, जितने भी स्टूडेंट्स यहाँ पर ऐप पे देख रहे हैं आपके भी यही डाउट्स होंगे, ठीक है। तो जीएससी जब भी हम लोग पढ़ते हैं ना तो हमेशा एक समंदर ऑफ डाउट्स आ जाता है कि ऐसा होगा तो क्या होगा, ऐसा होगा तो क्या होगा, ऐसा होगा तो क्या होगा, वो सारे के सारे डाउट्स आपके क्लियर होंगे और रेलेवेंट जगहों पर मैं आपको बताऊंगा भी कि देखो ये वाला डाउट आपका उस चैप्टर से था वो देखो यहाँ पर क्लियर हो रहा है, देखो उस समय पढ़ते हुए आपका ये डाउट आया था वो देखो यहाँ पर कवर क्लियर हो रहा है, और मैं पढ़ाते पढ़ाते भी आपको बताता रहूंगा कि देखो यहाँ पर आपका ये डाउट आ रहा होगा लेकिन ये बाद में क्लियर होगा। अगर मान लो मेरे से कोई चीज मिस हो जाए बताते हुए, आपका कोई और डाउट आया वो मैं बोल ही नहीं पाया, तो कोई बात नहीं, उसकी भी चिंता मत करना, वो भी डाउट क्लियर होगा, ठीक है। अगर क्योंकि मेरे को तो पता है ना आगे किस किस जगहों पर किस किस चैप्टर में कौन कौन से डाउट्स आपके क्लियर हो रहे हैं, मुझे तो पता है ये सारी चीजें, ठीक है। तो अगर मैं कभी बोल ना पाया
अगर मैं कभी बोलना भूल गया कि देखो यहां पर आपका ये डाउट आ रहा होगा, तब भी आप बिल्कुल चिंता मत करना, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। जीएसटी में जस्ट डोंट वरी एट ऑल, सारी चीजें क्लियर होंगी और बहुत अच्छे से क्लियर होंगी, बहुत मजा आएगा, ठीक है। तो देखो सेक्शन 7 के अंदर एक है सबसेक्शन 1, सबसेक्शन 1 के अंदर चार क्लॉजेस है, ए ए ए ए ए बी और सी। ए कह रहा है सप्लाई इंक्लूड्स ऑल फॉर्म्स ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ सच एज सेल, ट्रांसफर, बार्टर, एक्सचेंज, लाइसेंस, रेंटल, लीज, डिस्पोजल, मेड और अग्रीड टू बी मेड फॉर अ कंसीडरेशन इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस बाय अ पर्सन, ठीक है। डबल ए को मैं कह रहा हूं अभी फिलहाल के लिए छोड़ दो। बी में मैं कह रहा हूं कि अगर आपने सर्विसेज को इंपोर्ट किया, अगर आपने सर्विसेज को इंपोर्ट किया, गुड्स के इंपोर्टेशन की बात नहीं हो रही है यहां पर, ठीक है, यहां पर गुड्स के इंपोर्टेशन की बात नहीं हो रही है, यहां पर सर्विसेज के इंपोर्टेशन की बात हो रही है, कि अगर आपने सर्विसेज को इंपोर्ट किया, कंसिडरेशन दिया, फिर चाहे वो पर्सनल पर्पस के लिए ही क्यों ना इंपोर्ट किया हो, उस पर सप्लाई लगेगा, आप उस वो सप्लाई हो जाएगी, उस पर जीएसटी लगेगा या नहीं बात की बात है, वो सप्लाई हो जाएगी, ठीक है। कौन सी सप्लाई पर जीएसटी लगेगा वो भी बात की बात है, पहले तो देखो सप्लाई है या नहीं, ठीक, ओके। उसके बाद यहां पर ये है सबसेक्शन सी, सॉरी क्लॉज सी। क्लॉज सी क्या कह रहा है कि शेड्यूल 1 में कुछ ऐसी एक्टिविटीज मेंशन है, शेड्यूल 1 में कुछ ऐसी एक्टिविटीज मेंशन है जिनमें अगर आपने कंसिडरेशन नहीं भी दिया, अगर आपने कंसिडरेशन नहीं भी दिया, ठीक है, अगर आपने कंसिडरेशन नहीं भी दिया लेकिन वो बिजनेस एक्टिविटीज है तो भी उसको सप्लाई मान लिया जाएगा, तो भी उसको सप्लाई मान लिया जाएगा, तो भी उसको सप्लाई मान लिया जाएगा, ये शेड्यूल 1 वाली एक्टिविटीज है, ठीक। 1A क्या कह रहा है, 1A कह रहा है कि शेड्यूल 2 है एक, 1A कह रहा है शेड्यूल 2 है एक, और शेड्यूल 2 ये बताता है कि किसी किसी एक्टिविटी में ना कभी कभी कंफ्यूजन होता है, जैसे जब आप रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हो तो वो गुड्स की सप्लाई हो रही है या सर्विसेज की सप्लाई हो रही है, एकदम सिंपल एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं, बाकी इन सारी चीजों को डिटेल में डिस्कस करेंगे, अभी मैं एक ओवरव्यू दे रहा हूं सेक्शन 7 का, ठीक है। जब आप रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हो, जब आप रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हो तो वो गुड्स की सप्लाई हो रही है सर्विसेज की सप्लाई हो रही है, ठीक है, वैसे तो देखा जाए सर्विस की सप्लाई हो रही है क्योंकि वेटर आके आपको खिला रहा है, वेटर आके खाना परोस रहा है, ऑर्डर ले रहा है, सब कुछ है, और एक तरह से देखा जाए तो गुड्स की सप्लाई है, खाना लाकर आपको दे रहा है, खाना दे रहा है, तो इसको गुड्स की सप्लाई मानेंगे या इसको सर्विसेज की सप्लाई मानेंगे, ठीक है। तो इस टाइप की और भी बहुत सारी एक्टिविटीज है जिनमें ये कंफ्यूजन होता है कि इसको गुड्स की सप्लाई मानना है या इसको सर्विसेज की सप्लाई मानना है, अभी हम लोग जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे मैं आपको पूरे एग्जांपल्स के साथ बताऊंगा, पूरी स्टोरीज के साथ बताऊंगा, मतलब रियल लाइफ एग्जांपल्स, रियल लाइफ स्टोरीज के साथ बताऊंगा कि क्यों इन चीजों की जरूरत महसूस हुई, ठीक है। तो जैसे रेस्टोरेंट के बारे में अगर मैं बात कर रहा हूं तो रेस्टोरेंट में पहले ना बहुत लिटिगेशन आते थे, बहुत ही लिटिगेशन, ठीक है, क्योंकि सर्विस वाले पोर्शन पर सर्विस टैक्स लगता है और गुड्स वाले पर वैट लगता है, ठीक है। अब जो वैट वाला डिपार्टमेंट है वो कह रहे तुमने वैट नहीं लगाया, तुम वैट लगाओ, जो सर्विस टैक्स वाला डिपार्टमेंट है वो कह रहे तुमने सर्विस टैक्स नहीं लगाया, सर्विस लगाओ, वैट वाला कह रहे तुम तो खाना बेच रहे हो तो ये तो सप्लाई ऑफ गुड्स हुआ, सेल ऑफ गुड्स हुआ, सर्विस टैक्स वाला कह रहे नहीं नहीं तुम तो सर्विस दे रहे हो क्योंकि तुम अपने यहां बुला के खिलवा रहे हो तो ये तो सप्लाई ऑफ सर्विस, ये तो प्रोविजन ऑफ सर्विसेज हुआ, तो दोनों डिपार्टमेंट्स में आपस में लड़ाई हो जाती थी, आपस में लड़ाई होगी तो बेचारा रेस्टोरेंट वाला क्या करेगा, रेस्टोरेंट वाले को तो अपने आप को लिटिगेशन से बचाना है ना, रेस्टोरेंट वाले को अपने आप को लिटिगेशन से बचाना है तो वो वैट भी लगा देता था, सर्विस टैक्स भी लगा देता था, पिस्ता कौन था, कस्टमर, पिस्ता कौन था, कस्टमर के भाई ले, वैट भी ले और सर्विस टैक्स भी ले, कस्टमर से दोनों चार्ज कर लिया, ठीक है, डबल डबल टैक्सेशन हो गया, वैट भी लग गया और सर्विस टैक्स भी लग गया, वैट भी लग गया सर्विस टैक्स भी लग गया, वैट वाला डिपार्टमेंट खुश, सर्विस टैक्स वाले डिपार्टमेंट खुश, और पिस कौन रहा है बीच में, पिस रहा है बीच में कस्टमर, ठीक है। तो ये बहुत जरूरत हुई और ऐसे और भी बहुत सारे केसेस आते थे जहां पर ये समझ ही नहीं पाते थे लोग कि इसको सप्लाई ऑफ गुड्स मानना है या इसको सप्लाई ऑफ सर्विसेज मानना है। तो अभी यहां पर जीएसटी के अंदर सेक्शन 7 में जो सब सेक्शन 1A है उसके अंदर एक शेड्यूल 2 मेंशन किया हुआ है सरकार ने और कहा है कि शेड्यूल 2 में वो कई सारी एक्टिविटीज है जिनमें अभी तक लिटिगेशन रहा है लेकिन अब हम क्लैरिफाई कर दे रहे हैं कि ये supply of goods माना जाएगा या ये supply of services माना जाएगा। तो schedule 2 basically बताता है कि कौन-कौन सी supplies को supply of goods मानना है और कौन-कौन सी supplies को supply of services मानना है, अगर कोई confusion है तो। वैसे मैं आपको एक बात बताऊं, दिल से बताओ यार, एकदम दिल से, मैंने पहले दिन भी बोला था मन साफ हो और 11th 12th की accounts clear हो तो फिर tax से आसान subject कोई नहीं है। मेरे को एक बात दिल से बताओ, restaurant में जब आप खाना खाने जा रहे हो तो आप खाना खरीद रहे हो या आप सर्विस की वजह से जा रहे हो, दिल से बताओ मेरे को, यहां पर ऐप पे भी बताओ कि रेस्टोरेंट में जब आप खाना खाने जा रहे हो, क्योंकि खाना तो आप बाहर से कहीं से भी खरीद सकते हो, आप रेस्टोरेंट में ही क्यों जा रहे हो,
रेस्टोरेंट में आप किस लिए जा रहे हो? सर्विस के लिए जा रहे हो ना, सीधी सी बात है कि खाना बनाकर कोई अच्छी सी प्लेट में लाकर परोस के देगा, हम जो बोलेंगे वो करेगा, सर्विस है तो इट्स अ सप्लाई ऑफ सर्विस ना, एकदम कॉमन सेंस वाली बात है ना। तो यहां पर शेड्यूल टू में यही बोला है कि भाई जो रेस्टोरेंट में आप खाना खाने जाते हो, दैट इज अ सप्लाई ऑफ सर्विस, दैट इज नॉट अ सप्लाई ऑफ गुड्स। ठीक है, एक और सवाल आ रहा होगा कि सर अब तो सब पर जीएसटी लग रहा है, तो अब फर्क ही क्या पड़ रहा है कि कोई सप्लाई ऑफ गुड्स है या कोई सप्लाई ऑफ सर्विसेज है। एक डाउट आ रहा होगा कि सर अब तो अगर क्योंकि गुड्स की सप्लाई पर भी जीएसटी लग रहा है और सर्विसेज की सप्लाई पर भी जीएसटी लग रहा है, तो हाउ डज इट मैटर कि ये गुड्स की सप्लाई है या सर्विसेज की सप्लाई है? जो भी हो यार, तुम वैल्यू के ऊपर जीएसटी लगाओ ना 18%। ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है, ऐसा इसलिए नहीं होता है क्योंकि गुड्स के भी अलग अलग डेफिनेशंस हैं और अलग अलग गुड्स पर अलग अलग रेट्स प्रिस्क्राइब्ड है कि कौन सा गुड्स बेचने पर कितने रेट से जीएसटी लगेगा, कौन सी सर्विस देने पर कितने रेट से जीएसटी लगेगा। आप मैकडॉनल्ड्स में जाओ 5% का जीएसटी है, ठीक है, लेकिन आप ये एकाग्रता में अगर आप क्लासेस लो 18% जीएसटी है, ठीक है, एकाग्रता में आप क्लासेस लो या कहीं पर भी आप क्लासेस लो 18% जीएसटी है, क्योंकि जो एजुकेशनल सर्विसेज हैं, जो ये वाली सर्विसेज हैं जो हम लोग दे रहे हैं, इस पे 18% का जीएसटी सरकार ने मेंशन किया हुआ है, ठीक है। और अगर आप किसी एक फाइव स्टार होटल में चले जाओ, किसी एक फाइव स्टार होटल के रेस्टोरेंट में जाकर खाओ, 12% का जीएसटी है, ठीक है, लेकिन डोमिनोज मैकडॉनल्ड्स में जाओ 5% का जीएसटी है, ठीक है। तो हर तरह की चीजों को डिफाइन किया हुआ है कि किस चीज पर 5% का लगेगा, किस चीज पर 6% का लगेगा, किस पर 12% का लगेगा, किस पर 18% का लगेगा, ये सब कुछ डिफाइंड है, राइट। तो इसीलिए ये क्लासिफाई करना जरूरी है कि कौन सी चीज सप्लाई ऑफ गुड्स है, कौन सी चीज सप्लाई ऑफ सर्विसेज है, जिससे ये पता चल पाए कि इस पर एग्जैक्ट रेट ऑफ जीएसटी कौन सा लगेगा, ठीक है। तो शेड्यूल टू क्या बता रहे हैं? शेड्यूल टू ये बताता है कि मेरे पास कुछ एक्टिविटीज मेंशन है, इन एक्टिविटीज में हमेशा से लिटिगेशन रहा है, इन एक्टिविटीज में हमेशा से ये लड़ाई रही है कि इसको गुड्स की सेल मानना है या सर्विसेज की प्रोविजन मानना है। तो अभी शेड्यूल टू के हिसाब से हमने बता दिया कि देखो ये एक्टिविटीज है, इसको सप्लाई ऑफ गुड्स मानो, इसको सप्लाई ऑफ सर्विसेज मानो। और ये मैं आपको बता रहा हूं एज अ बिग ब्रदर, मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि ये सारी चीजें इतनी कॉमन सेंस वाली है ना कि आपको लगेगा कि क्या यार जनता पागल है, इतने छोटे छोटे इश्यूज को लेकर बवाल मचाती थी, ठीक है, इतने छोटे छोटे इश्यूज को लेकर बवाल मचाती थी, मतलब ये तो एकदम कॉमन सेंस वाली बात है, जैसे रेस्टोरेंट वाली बात मैंने आपको बताई, ठीक है। दिल से पूछो ना यार, आप रेस्टोरेंट क्यों जा रहे हो? आप रेस्टोरेंट सर्विस लेने के लिए जा रहे हो ना, तो वो तो सप्लाई ऑफ सर्विस हो गई, बात खत्म, वो सप्लाई ऑफ सर्विस हो गई, बात ही खत्म। तो शेड्यूल टू में वो सारी एक्टिविटीज मेंशन है जिनमें हमेशा से लिटिगेशन रहा है कि सप्लाई ऑफ गुड्स बोलेंगे इसको या इसको सप्लाई ऑफ सर्विस बोलेंगे, और ये सप्लाई ऑफ सर्विसेज हो जाएगी, ठीक, ये हो गया, मतलब सप्लाई ऑफ गुड्स या सप्लाई ऑफ सर्विसेज। फिर आता है एक सब सेक्शन टू, सेक्शन सेवन का सब सेक्शन टू, इसके अंदर शेड्यूल थ्री भी आएगा, ठीक है, और शेड्यूल थ्री वो एक्टिविटीज बताता है जिनको हम बोलते हैं दैट दिस इज नाइदर अ सप्लाई ऑफ गुड्स, नाइदर अ सप्लाई ऑफ गुड्स नॉर अ सप्लाई ऑफ सर्विसेस, ठीक है। ये आता है आपका सब सेक्शन टू। सब सेक्शन टू कहता है कि शेड्यूल थ्री में कुछ ऐसी एक्टिविटीज मेंशन है जिनको ना तो हम सप्लाई ऑफ गुड्स मानेंगे ना ही सप्लाई ऑफ सर्विसेज मानेंगे, मतलब ये जीएसटी में है ही नहीं, ये इस पर जीएसटी नहीं लगेगा। एग्जाम्पल के तौर पर सेल ऑफ बिल्डिंग, सेल ऑफ बिल्डिंग, ठीक है, बाकी हम लोग पढ़ेंगे पूरा का पूरा शेड्यूल थ्री हम लोग पढ़ेंगे। जो बिल्डिंग की सेल होती है ना, जो सेल ऑफ बिल्डिंग होती है, तो जब आप बिल्डिंग को बेचते हो तो उस पर जीएसटी नहीं लगता है, क्योंकि शेड्यूल थ्री के अंदर साफ साफ मेंशन है सेल ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग को ना तो हम सप्लाई ऑफ गुड्स मानेंगे ना तो सप्लाई ऑफ सर्विसेज मानेंगे। और यहां पर क्या था, सप्लाई इंक्लूड्स व्हाट, ऑल फॉर्म्स ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ, ठीक है। तो यहां पर शेड्यूल थ्री में बेसिकली इसको हम लोग नेगेटिव लिस्ट भी बोलते हैं, इसको नेगेटिव लिस्ट भी बोलते हैं। क्यों इसको नेगेटिव लिस्ट बोला जाता है? क्योंकि यहां पर वो सारी एक्टिविटीज मेंशन हैं जिनको ना तो सप्लाई ऑफ गुड्स मानना है ना ही सप्लाई ऑफ सर्विसेज मानना है, जिनको ना तो सप्लाई ऑफ गुड्स मानना है ना ही सप्लाई ऑफ सर्विसेज मानना है, ठीक है। तो इसके बारे में भी हम लोग यहां पर पढ़ेंगे। अब ये बचता है आपका सब सेक्शन थ्री। तो देखो इसकी लिंकेज ना थोड़ी थोड़ी इसके साथ है। यहां पर मैंने आपको क्या बताया था, शेड्यूल टू में, शेड्यूल टू में वो सारी एक्टिविटीज मेंशन है जिनमें सरकार ने कहा कि इसको सप्लाई ऑफ गुड्स मानो और इसको सप्लाई ऑफ सर्विसेज मानो, राइट। सरकार ने यहां पर अपने लिए एक प्रोविजन बनाकर रखा हुआ है, सरकार ने यहां पर अपने लिए एक प्रोविजन बनाकर रखा हुआ है कि मान लो आगे चलकर फिर से कोई एक ऐसी एक्टिविटी निकल कर आती है जिसपे ये डिस्प्यूट अराइज हो,
ये सप्लाई ऑफ गुड्स है या सप्लाई ऑफ सर्विसेज है, तो सरकार ने सबसेक्शन 3 में सिंपली बोला हुआ है कि द गवर्नमेंट हैज द पावर, द गवर्नमेंट हैज द पावर कि वो कभी भी एक नोटिफिकेशन के जरिए ये बता सकती है कि कोई एक पर्टिकुलर सप्लाई को सप्लाई ऑफ गुड्स मानना है या सप्लाई ऑफ सर्विसेज मानना है। ठीक, मेटावर्स में आप कुछ कर रहे हो, मेटावर्स में आपने कुछ सामान बेचा, वो सप्लाई ऑफ गुड्स है या सप्लाई ऑफ सर्विसेज है। एआई टेक्नोलॉजी इतनी आ चुकी है, एआई टेक्नोलॉजी को यूज करके आपने कुछ भी किया, वो सप्लाई ऑफ गुड्स है या सप्लाई ऑफ सर्विसेज है। और ये मेटावर्स और एआई तो आज की टेक्नोलॉजीज में बता रहा हूं आपको, क्रिप्टो करेंसी आ चुकी है, क्रिप्टो करेंसी सप्लाई ऑफ गुड्स है या सप्लाई ऑफ सर्विसेज है। ठीक है, ये सारी चीजों के लिए एक प्रोविजन बनाकर सरकार ने रखा हुआ है। मैंने आपको 3 मेजर एग्जांपल्स दिए, मेटावर्स, क्रिप्टो करेंसी और एआई, ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, राइट। तो ये जिस तरह से देश अपना प्रोग्रेस करेगा, जिस तरह से दुनिया प्रोग्रेस करेगी, हमें नहीं पता कि आगे ऐसी कौन कौन सी और एक्टिविटीज आएंगी जिनमें फिर से ये लिटिगेशन आएगा कि सप्लाई ऑफ गुड्स है या सप्लाई ऑफ सर्विसेज है। तो भाई सेफ साइड सरकार ने अपने लिए सबसेक्शन 3 बनाकर रखा हुआ है, उसमें सरकार ने कहा है देखो हम बताएंगे आगे चलकर, अभी अगर कोई भी डिस्प्यूट होता है तो हम बताएंगे कि इसको सप्लाई ऑफ गुड्स मानना है या इसको सप्लाई ऑफ सर्विसेज मानना है, बात खत्म। ठीक है, दिस इज द एंटायर सेक्शन 7 जो अभी आधे घंटे में हम लोगों ने बात की जिसके बारे में। ठीक है, मतलब मैं आपको पूरा लॉ पढ़ाने जा रहा था लेकिन मैंने सोचा एक बार पहले एक ओवरव्यू दे देता हूं, फिर मैं सेक्शन पढ़ा के ओवरव्यू दूंगा और उसके बाद में एनालिसिस शुरू करूंगा एक एक चीज का। ठीक है, उसके बाद में एक एक चीज का एनालिसिस शुरू करूंगा। तो सेक्शन 7 में है क्या, सेक्शन 7 में 4 सब सेक्शन है, मैं एक बार फिर से बनाऊंगा, ये आपको बनाने की बिल्कुल कोई जरूरत नहीं, मैं आपसे बाद में बनवाऊंगा। ठीक है, आप जब बाद में बनाओगे ना एक एक बार समझ के, तो आपके लिए और आसान होगा और आपको और मजा भी आएगा, आपको सब कुछ रट चुका होगा। देखो सप्लाई है सेक्शन 7, ठीक है, अब इसके अंदर सबसेक्शन 1, सबसेक्शन 1A, सबसेक्शन 2 और सबसेक्शन 3। ठीक है, ये आ गया सबसेक्शन 1, 1A, 2 और 3, ये हो गया। वन के अंदर क्या हो गया, वन के अंदर अगेन 4 क्लॉजेस हैं, वन के अंदर अगेन 4 क्लॉजेस हैं, ए ए ए, बी और सी। ठीक है, सेक्शन 1 ये क्या कह रहा है, सप्लाई इंक्लूड्स यहां पर क्या हुआ, क्लॉज ए में ऑल फॉर्म्स ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ सच एज सेल, ट्रांसफर, बार्टर, एक्सचेंज, लाइसेंस, रेंटल, लीज, डिस्पोजल, मेड और अग्रीड टू बी मेड बाय अ पर्सन फॉर अ कंसिडरेशन इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। तो यहां पर हम लोगों को यह समझ में आया कि दो चीजों का होना बहुत जरूरी है, एक तो कंसिडरेशन और दूसरा इट शुड बी इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, मतलब बिजनेस एक्टिविटी होनी चाहिए। यहां पर आप आ जाओ क्लॉज बी में, तो यहां पर इसने बोला कि अगर आप सर्विसेस को इंपोर्ट करते हो, अगर आप सर्विसेज को इंपोर्ट करते हो और आप कंसिडरेशन देते हो, तो चाहे वो बिजनेस के लिए हो चाहे वो बिजनेस के लिए ना हो, वो आपकी सप्लाई मान ली जाएगी। ठीक, सबसेक्शन ये क्लॉज सी ने कहा कि कुछ एक्टिविटीज शेड्यूल 1 में मेंशन है, कुछ एक्टिविटीज शेड्यूल 1 में मेंशन है जिनमें अगर कंसिडरेशन ना भी हो लेकिन वो बिजनेस पर्पज के लिए हो तो इनको सप्लाई मान लिया जाएगा। ठीक है, अब वो कौन सी एक्टिविटीज हैं, कैसे होगा, क्या होगा, उसके बारे में अभी हम लोग बाद में बात करेंगे। ये जो क्लॉज डबल ए है इसको अभी छोड़कर रखा हुआ है, इसमें क्या हुआ था उसकी पूरी स्टोरी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, फिर ये सबसेक्शन 1A आ जाता है, सबसेक्शन 1A कहता है कि शेड्यूल 2 में कुछ ऐसी एक्टिविटीज मेंशन है, शेड्यूल 2 में कुछ ऐसी एक्टिविटीज मेंशन है जिनमें हम बता रहे हैं कि इसको सप्लाई ऑफ गुड्स मानो, इसको सप्लाई ऑफ सर्विस मानो, ये बेस्ड है ऑन द ऑल द लिटिगेशंस जो भी पहले हुए हुए हैं। ठीक है, तो पहले बहुत सारे लिटिगेशंस हुए हैं, उनके बेसिस पर एक लिस्ट बनाई गई है, उस लिस्ट में सरकार ने बताया देखो दिस विल बी ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ गुड्स एंड दिस विल बी ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ सर्विसेज। जब हम लोग शेड्यूल 2 पढ़ेंगे तो आपको दिखाई देगा, बहुत आसान है, बहुत ही कॉमन सेंस वाली बात है, आपको एक्चुअली मजा आएगा कि यार क्या नॉनसेंसिकल बातों के लिए लोग लड़ते थे। ठीक, ये जो सबसेक्शन 2 है ये कहता है कि कुछ एक्टिविटीज शेड्यूल 3 में मेंशन है, कुछ एक्टिविटीज शेड्यूल 3 में मेंशन है जो ना तो सप्लाई ऑफ गुड्स मानी जाएंगी ना ही सप्लाई ऑफ सर्विसेज मानी जाएंगी। एक एग्जांपल मैंने आपको यहां पर दिया था, सेल ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग, तो लैंड एंड बिल्डिंग को सप्लाई नहीं माना जाता है। ठीक है, और फिर यहां पर सबसेक्शन 3 जो था ये कहता था कि भाई पावर जो है वो गवर्नमेंट के पास है, गवर्नमेंट हैज द पावर
कि वो कभी भी नोटिफिकेशन के जरिए बता सकती है कि ये जो सप्लाई है इसको सप्लाई ऑफ गुड्स मानो या इसको सप्लाई ऑफ सर्विसेज मानो। ये पावर सरकार ने अपने पास रखी हुई है जिससे फ्यूचर में लिटिगेशंस को अवॉइड किया जा पाए। यहां तक की बात, एक ओवरव्यू आपको मिला सेक्शन 7 का, जो भी आप लोगों को लग रहा था कि भाई 3 स्लाइड्स का तो सिर्फ एक सेक्शन 7 की डेफिनेशन है, एक ओवरव्यू आपको मिल पा रहा है। अभी भी मैंने आपको लॉ नहीं पढ़ाया है, अभी भी मैंने आपको एनालिसिस नहीं करवाया है, एक एक चीज का एक एक वर्ड का एनालिसिस करेंगे, बड़ा मजा आएगा। एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे वो उसके लिए आपको थोड़ा सा टाइम लगाना पड़ेगा, उसके लिए आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा कि तभी हम लोग एग्जाम ओरिएंटेड आ पाएंगे, नहीं तो जब तक बेस नहीं बनेगा तब तक एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन में हम लोग आ नहीं पाएंगे। ठीक है, जल्दी से मुझे बताओ अभी तक जो ओवरव्यू मैंने आप लोगों को दिया, ये ओवरव्यू आपको क्लियर हुआ? याद नहीं हुआ होगा, आई अग्री, आई अंडरस्टैंड, याद हो जाएगा, जल्दी से आप पे बताओ मुझे, हो रहा है, क्लियर हो रहा है? ठीक, वेरी गुड, थैंक यू सो मच एवरीवन। या यूट्यूब वाले बताओ जल्दी से, डन, चलो परफेक्ट परफेक्ट। अब जब मैं आपको पूरा का पूरा सेक्शन 7 का एक ओवरव्यू दे चुका हूं, अब मैं आता हूं आपके पास इस सेक्शन 7 के लॉ पर। ठीक है, अब मेरी बात बहुत आराम से सुनते रहना, इत्मीनान से। ठीक है, अब जो जो मैंने बताया वो आपको मैं पढ़वाऊंगा, कुछ कुछ आपको समझ में आएगा, कुछ कुछ आपको अभी भी नहीं समझ में आएगा। ठीक है, वो तब समझ में आएगा जब मैं ये एनालिसिस करवाना शुरू करूंगा। ठीक है, आओ देखो, सुनना, सप्लाई इंक्लूड्स, देख रहे हो आप सेक्शन 7 सबसेक्शन 1, इसके चार सब क्लॉज, चार क्लॉजेस। ठीक है, ये चारों के चारों सप्लाई इंक्लूड्स वाले हैं, ये चारों के चारों सप्लाई इंक्लूड्स वाले। ठीक है, तो ऑल फॉर्म्स ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ सच एज सेल, ट्रांसफर, बार्टर, एक्सचेंज, लाइसेंस, रेंटल, लीज और डिस्पोजल, मेड और अग्रीड टू बी मेड, मेड और अग्रीड टू बी मेड फॉर अ कंसिडरेशन बाय अ पर्सन इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। डबल ए को अभी फिलहाल के लिए जाने दो। ठीक है, यहां पर आओ, import of services for a consideration whether or not in the course of furtherance of business, aur teesra hai activities specified in schedule 1 made or agreed to be made without a consideration, yahi yahan par hai, theek hai, activities specified in schedule 1 made or agreed to be made without a consideration, theek, idhar dekho 1a, where certain activities or transactions constitute a supply in accordance with the provisions of section 7(1), jahan par ab aapne decide kar liya ki supply to hai, theek hai, सेक्शन 7(1) के अकॉर्डिंगली आपने डिसाइड तो कर लिया कि देखो ये सप्लाई है, अब ये सप्लाई ऑफ गुड्स है या ये सप्लाई ऑफ सर्विसेज है ये बताया जाएगा यहां पर। दे शैल बी ट्रीटेड आइदर एज अ सप्लाई ऑफ गुड्स और सप्लाई ऑफ सर्विसेज एज रेफर्ड टू इन शेड्यूल 2। यही मैंने आपको बताया कि सबसेक्शन 1A क्या कह रहा है, 1A कह रहा है कि एक शेड्यूल 2 है वो बताएगा। देखो यहां पर तो तुमने कह दिया कि सप्लाई क्या क्या चीज होती है, वो हम लोगों ने बात कर ली, अब ये सप्लाई गुड्स की सप्लाई है या सर्विसेज की सप्लाई है ये पता चलेगा 1A से। ठीक है, ये भी हो गया। दूसरा, नॉट विदस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन सेक्शन 7(1), नॉट विदस्टैंडिंग का मतलब होता है ओवर रूलिंग, ओवर रूलिंग का मतलब अच्छा उसने कहा हम नहीं मानते उसको। ठीक है, यहां पर तो क्या हो गया, यहां पर इसने कहा नॉट विदस्टैंडिंग का मतलब क्या होता है, नॉट विदस्टैंडिंग मतलब, नॉट विदस्टैंडिंग का मतलब सिंपली मैंने आपसे कुछ कहा, ठीक है, मैंने एक रूल बनाया, ठीक है, आपने एक नया रूल बना दिया जो मेरे रूल के अगेंस्ट जा रहा है। ठीक है, आपने एक नया रूल बना दिया जो मेरे रूल के अगेंस्ट जा रहा है, सिंपल सी बात है, एक सिंपल सा एग्जाम्पल देता हूं। ठीक है, सपोज घर पे पापा ने रूल बनाया कि रोज दोपहर को 1:30 बजे लंच होगा। ठीक है, रोज दोपहर को 1:30 बजे लंच होगा, राइट, एग्जैक्ट 1:30 बजे रोज दोपहर को लंच होगा, पूरी फैमिली साथ में लंच करेगी, ये सपोज पापा ने रूल बनाया। ठीक है, अब आकर कोई एक बच्चा कह दे रहा है कि नहीं लंच तो 1:45 पे स्टार्ट होगा, लंच तो 1:45 पे स्टार्ट होगा। ठीक है, अब घर के सारे लोग कह रहे हैं अरे यार पर पापा के रूल के हिसाब से तो 1:30 पे लंच स्टार्ट होगा ना, तो वो कह रहा है नॉट विदस्टैंडिंग एनीथिंग दैट पापा हैज सेड, मतलब पापा ने जो भी कुछ कहा है मेरा रूल उससे बड़ा है। ठीक है, वो बच्चा कह रहा है पापा ने जो भी कहा है मेरा रूल उससे बड़ा है, आई एम नॉट स्टैंडिंग विद माई फादर्स रूल, आई एम नॉट स्टैंडिंग विद माई फादर्स रूल। अभी आपको समझ में आ रहा है नॉट विद स्टैंडिंग का मतलब, नॉट विद स्टैंडिंग इज बेसिकली नॉट स्टैंडिंग विद। ठीक है, तो आई एम नॉट स्टैंडिंग विद माई फादर्स रूल, आई एम क्रिएटिंग माई ओन रूल विच इज ओवर रूलिंग माई फादर्स रूल, विच इज ओवर रूलिंग माई फादर्स रूल। ठीक है, तो दिस इज द मीनिंग ऑफ नॉट विद स्टैंडिंग। तो अब यहां पर क्या बोला गया है, नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन सेक्शन 7(1). सेक्शन 7(1) क्या हुआ, यही वाला तो हुआ सप्लाई इंक्लूड्स वाला, एक्टिविटीज और ट्रांजैक्शंस स्पेसिफाइड इन शेड्यूल 3 और ये एक्टिविटीज शैल बी ट्रीटेड नाइदर एज सप्लाई ऑफ गुड्स नॉर एज सप्लाई ऑफ सर्विसेज। ये क्या है, इसके बारे में करेंगे बाद में बात। ठीक है, इसके बारे में बाद में बात करेंगे, अभी के लिए सिंपली क्या हो गया कि यहां पर सबसेक्शन 2 मैंने आपको यही बताया था
कि सबसेक्शन टू में एक शेड्यूल थ्री है जो कहता है ना तो सप्लाई ऑफ गुड्स माना जाएगा इसको, ना ही इसको सप्लाई ऑफ सर्विसेज माना जाएगा। ये लिखा हुआ है कि नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन सेक्शन 7(1), सेक्शन 7(1) के हिसाब से हो सकता है सप्लाई हो रहा हो, सेक्शन 7(1) के हिसाब से हो सकता है वो चीज सप्लाई हो रही हो, लेकिन अगर वो चीज शेड्यूल 3 में मेंशन है, अगर वो चीज शेड्यूल 3 में मेंशन है, तो उसको ना तो हम सप्लाई ऑफ गुड्स मानेंगे, ना ही उसको सप्लाई ऑफ सर्विसेज मानेंगे। ठीक है, ना तो उसको सप्लाई ऑफ गुड्स मानेंगे और ना ही उसको सप्लाई ऑफ सर्विसेज मानेंगे। डन, ये हो गया सबसेक्शन सबसेक्शन 2। और लास्ट में आता है आपके पास ये, जहां पर मैंने कहा था कि गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो एक नोटिफिकेशन के जरिए बता सकती है कि किन किन चीजों को सप्लाई ऑफ गुड्स मानना है, सप्लाई ऑफ सर्विसेज नहीं मानना है, और किन किन चीजों को सप्लाई ऑफ सर्विसेज मानना है, सप्लाई ऑफ गुड्स नहीं मानना है। तो देखो, सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 7(1), 7(1A एंड 7(2). सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस का मतलब क्या होता है कि उनकी मर्यादा का पालन, उनकी आज्ञा का पालन करते हुए। ठीक है, जैसे पापा ने रूल बनाया कि 1:30 बजे लंच होगा, पापा ने रूल बनाया कि 1:30 बजे लंच होगा, ठीक है, मैंने कहा सब्जेक्ट टू माई फादर्स रूल, 1:30 बजे मैं लंच करने आ जाऊंगा, लेकिन मुझे दाल रोटी नहीं खानी, मुझे रोज पिज्जा खाना है। ठीक है, तो सब्जेक्ट मैं आऊंगा 1:30 बजे, मैं ये नहीं कह रहा कि मैं पापा के रूल को ओवर रूल कर रहा हूं, पापा के बनाए हुए रूल को ओवर रूल कर रहा हूं कि मैं 1:45 पे लंच स्टार्ट करूंगा। अगर मैं पापा के बनाए हुए रूल को ओवर रूल कर दूंगा तो बोला जाएगा नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन फादर्स रूल, राइट। लेकिन अगर मैं बोलूंगा सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस एज मेंशनड बाय माय फादर, पापा ने कहा 1:30 बजे लंच होगा, मैंने कहा ठीक है, पापा की आज्ञा का पालन किया जाएगा, ठीक 1:30 बजे मैं आपको लंच टेबल पर मिलूंगा, लेकिन मैं दाल रोटी नहीं खाऊंगा, मैं पिज्जा खाऊंगा। ठीक है, ये वाली बात है। तो सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 7(1), 7(1A और 7(2), मतलब 7(1), 7(1A और 7(2) की आज्ञा का पालन करते हुए, को ध्यान में रखते हुए, द गवर्नमेंट मे ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द काउंसिल स्पेसिफाई बाय नोटिफिकेशन, गवर्नमेंट नोटिफाई करेगी, स्पेसिफाई करेगी नोटिफिकेशन के जरिए कुछ ऐसे ट्रांजेक्शन जिनको मानना है, क्या मानना है, सप्लाई ऑफ गुड्स, सप्लाई ऑफ सर्विसेज नहीं, या सप्लाई ऑफ सर्विसेज, सप्लाई ऑफ गुड्स नहीं। ठीक है, तो मैंने आपको इसी का बताया था कि यहां पर सरकार अपने पास एक बफर रखती है कि कल को अगर कोई लिटिगेशन में कोई पंगा आता है कि इसको सप्लाई ऑफ गुड्स मानना है या सप्लाई ऑफ सर्विसेज मानना है, तो हम एक सेकंड में नोटिफिकेशन के जरिए बता देंगे और ये क्लैरिफिकेशन कर देंगे, लंबा लंबा लिटिगेशन नहीं जाएगा, जो कि पुराने टैक्स लॉज में बहुत होता था। पुराने टैक्स लॉज में बहुत लंबे लंबे लिटिगेशन होते थे इन बेवकूफी की बातों पर। तो यहां पर सरकार ने कहा कि सुनो, हमारे पास एक काउंसिल है, काउंसिल, अब यहां पर काउंसिल का क्या मतलब है, यहां पर काउंसिल होती है सीबीआईसी, ठीक है, यहां पर काउंसिल होती है सीबीआईसी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स, ठीक है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स, CBIC, ठीक है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स। तो यहां पर जैसे डायरेक्ट टैक्स में CBDT है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, ये है सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स, तो इसी को यहां पर जीएसटी काउंसिल भी बोल दिया जाता है, ठीक है, उसी को यहां पर जीएसटी काउंसिल भी बोल दिया जाता है। तो यहां पर सिंपली हो गया कि जो गवर्नमेंट है वो काउंसिल की रिकमेंडेशंस के बेसिस पर, काउंसिल से राय मशवरा करने के बाद, एक नोटिफिकेशन के जरिए स्पेसिफाई कर देगी कुछ ऐसे ट्रांजैक्शंस जिनको सप्लाई ऑफ गुड्स मानना है, सप्लाई ऑफ सर्विसेज नहीं मानना, या जिनको सप्लाई ऑफ सर्विसेज मानना है, सप्लाई ऑफ गुड्स नहीं मानना है। ठीक है, ये बात क्लियर हो चुकी है, वेरी नाइस। तो आपको सेक्शन 7 का एक ओवरव्यू मिल चुका है। अभी जो शुरुआत में, अभी आज से 45 मिनट्स पहले जो आपका डर था, अभी वो डर थोड़ा थोड़ा कम होना शुरू हुआ है। अभी मैं नहीं कह रहा हूं पूरा डर, अभी मैं ये नहीं कह रहा हूं पूरा का पूरा, लेकिन थोड़ा थोड़ा डर आपका कम होना शुरू हुआ है। हाँ, अभी तो हम आगे इन चीजों को एनालाइज करेंगे ही करेंगे, एक एक चीज का, एक एक वर्ड का एनालिसिस मैं आपको बताऊंगा, एक एक शब्द का, और इसके अंदर अभी तो बहुत कुछ जाएगा, ये तो मैंने समराइज कर दिया है आपके सामने, ठीक है, एक ओवरव्यू दिया है मैंने आप लोगों के सामने, अभी तो इसको और डिटेल में हम लोग पढ़ते हुए जाएंगे और ये लंबा डिस्कशन चलेगा, तभी मैंने आपसे कहा था ना 4-5 दिन का डिस्कशन, ठीक है। तो अभी आप लोगों को एक क्लैरिटी आ रही है, अभी सेक्शन पढ़ते समय भी डर नहीं लग रहा है, ये सब हो रहा है, थोड़ा सा कॉन्फिडेंट फील कर रहे हो, जल्दी से यहां पर बताओ ऐप पे, और जितने भी स्टूडेंट्स यूट्यूब पे देख रहे हैं आप लोग बताओ, फटाफट से थोड़ा बहुत आप लोग कॉन्फिडेंट फील कर रहे हो, यस, यूट्यूब पे जितने भी स्टूडेंट्स हैं, ऐप पे
यस वेरी नाइस। अब आओ एक एक चीज का एनालिसिस करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम एनालिसिस कर रहे हैं सेक्शन 7(1)(a) का। सबसे पहले 7(1)(a), 7(1)(a), ठीक है, इसका एनालिसिस हम लोग करने जा रहे हैं। देखो तो देयर शुड बी अ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज, ठीक है। इसका सिंपली मतलब ये हो गया कि इफ एनीथिंग अदर देन गुड्स और सर्विसेज इज सप्लाइड इट वोंट अट्रैक्ट जीएसटी। लेकिन सर सवाल तो ये आता है कि ऐसी कौन सी चीज हो सकती है जो ना तो सप्लाई, ना तो गुड्स होगी ना तो सर्विसेज होगी। तो उसके लिए हमें गुड्स और सर्विसेज की डेफिनेशन पढ़नी होगी कि गुड्स क्या है और सर्विसेज क्या है। मैं एक एग्जाम्पल के तौर पर आपको बता दूं, सिक्योरिटीज यानी जो शेयर्स वगैरह होते हैं ना, जो शेयर्स वगैरह होते हैं वो ना तो गुड्स की डेफिनेशन में आते हैं ना तो सर्विसेज की डेफिनेशन में आते हैं। मतलब अगर आप शेयर्स खरीदते हो तो उस पर जीएसटी नहीं लगता, ठीक है। अगर आप शेयर्स खरीदते हो या शेयर्स बेचते हो तो उस पर जीएसटी नहीं लगता। लेकिन सर हमने तो खरीदा हुआ है, हमने तो देखा हुआ है, जीएसटी लगता है। वो जीएसटी शेयर्स के खरीदने पर नहीं लगता, जो शेयर्स के खरीदने पर ब्रोकरेज देते हो ना उस ब्रोकरेज के ऊपर लगता है, ठीक है। अरे सर अब तो कंफ्यूजिंग हो रहा है, इसीलिए तो कह रहा हूं आराम आराम से करेंगे, ठीक है। आपके हर सवाल का जवाब है मेरे पास, आपके हर सवाल का जवाब है मेरे पास, हर डाउट का जवाब है मेरे पास, लेकिन उस डाउट का जवाब सही समय पर आएगा आपके पास, ठीक है। तो इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूं कि थोड़ी सी पेशेंस आपको दिखानी होगी फॉर द नेक्स्ट 4 लेक्चर्स, और इन 4 लेक्चर्स के बाद ऑल योर डाउट्स विल बी क्लियर, ठीक है। तो देखो तो कुछ चीजें ऐसी होंगी जो ना तो गुड्स होंगी ना तो सर्विसेज होंगी। अगर कोई ऐसी चीज होती है जो नाइदर गुड्स है नॉर सर्विसेज है तो उस पर जीएसटी नहीं लगेगा, ठीक है। अब आ जाओ ये टर्म समझते हैं, ये टर्म समझते हैं, सेल ट्रांसफर बार्टर एक्सचेंज लाइसेंस रेंटल लीज डिस्पोजल, ठीक है। सेल का मतलब तो सिंपली क्या हो जाता है, बेचना, ठीक है। सेल का मतलब आपने बेच दिया कोई चीज, मैंने ये पानी की बोतल आपको बेच दी, अब इस पानी की बोतल का ओनर मैं नहीं, ठीक है। अगर मैं ओनरशिप ट्रांसफर कर रहा हूं, अगर मैं ओनरशिप ट्रांसफर कर रहा हूं तो वो हो जाता है सेल, ठीक है, वो हो जाता है सेल। तो सेल का मतलब क्या हो गया, मैंने पानी की बोतल आपको बेच दी, इस पानी की बोतल के ओनर अब आप हो गए, तो यू आर दी ओनर, तो आई हैव सोल्ड दिस बोतल टू यू, ठीक है। तो द लिस्ट ऑफ ट्रांजैक्शन सेल ट्रांसफर बार्टर एक्सचेंज लाइसेंस रेंटल लीज और डिस्पोजल इज नॉट एन एग्जॉस्टिव लिस्ट। एग्जॉस्टिव का मतलब होता है कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही 8 एक्टिविटीज सप्लाई होगी, इन 8 एक्टिविटीज के अलावा भी सप्लाई हो सकता है। दिस इज ओनली एन इलस्ट्रेटिव लिस्ट। कैसे पता चला, क्योंकि यहां पर लिखा ना सच एज, देखो लिखा ना ऑल फॉर्म्स ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ सच एज, सर इतना छोटा छोटा इस पे तो हमारा ध्यान भी नहीं गया था, सच एज को तो हम लोगों ने मिस ही कर दिया था, इसीलिए तो मैं बता रहा हूं भाई कि एक एक चीज का एनालिसिस यहां पर कर रहा हूं आप लोगों को। तो सच एज का मतलब क्या हो गया, फॉर एग्जाम्पल, सच एज का मतलब क्या हो गया, फॉर एग्जाम्पल। तो ये जो सेल ट्रांसफर बार्टर एक्सचेंज लाइसेंस रेंटल लीज डिस्पोजल, ये जो 8 एक्टिविटीज है दीज आर गिवन ओनली एज एग्जाम्पल्स, ठीक है। ये जो 8 एक्टिविटीज है ये तो सिर्फ एग्जाम्पल्स के तौर पर दी हुई है, डन। तो इफ एनीथिंग अदर देन गुड्स और सर्विसेज सप्लाइड इट वोंट अट्रैक्ट जीएसटी, ये तो हो गया। अंडरस्टैंडिंग सेल, तो पहली ये बात हो गई कि ये जो 8 एक्टिविटीज की लिस्ट दी हुई है सेल ट्रांसफर बार्टर एक्सचेंज लाइसेंस रेंटल लीज और डिस्पोजल, दिस इज नॉट एन एग्जॉस्टिव लिस्ट, दिस इज ओनली एन इलस्ट्रेटिव लिस्ट। दिस इज क्लियर बाय द यूज ऑफ द वर्ड्स सच एज, ठीक है। अब एक एक करके बात करते हैं इन 8 एक्टिविटीज के बारे में। सबसे पहला सेल, सेल मींस ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप और टाइटल बाय वे ऑफ सेलिंग। आपने बेचा और आपने ओनरशिप को ट्रांसफर कर दिया, दिस इज सेल। एग्जांपल, अ शॉपकीपर सेल्स अ पेन फॉर 100 रुपीस टू द बायर, आफ्टर द सेल द पेन बिलोंग्स टू द बायर एंड द शॉपकीपर डज नॉट हैव एनी राइट ऑन द पेन, दिस इज अ ट्रांजैक्शन ऑफ सेल। ट्रांसफर का मतलब होता है टू रिमूव फ्रॉम वन प्लेस टू वन प्लेस ऑफ पर्सन टू अनदर, ठीक है। एग्जाम्पल, A company transfers goods from its factory to the depot for sale purposes. अपनी फैक्ट्री से निकालकर अपने डिपो में या वेयरहाउस में या गोडाउन में डाल, ठीक है। दिस इज ट्रांसफर ऑफ गुड्स वेयर द सेल हैज नॉट येट टेकन प्लेस। एक कंपनी ने अपने फैक्ट्री से अपने गोडाउन में चीजों को ट्रांसफर किया, तो ये भी ट्रांसफर हो जाएगा, इसको भी सप्लाई माना जाता है। सर ये कौन सी बात होती है, इसमें इट डजंट मेक एनी सेंस, इट विल ऑल मेक सेंस, इट विल ऑल मेक सेंस बट इट विल टेक टाइम, ठीक है। कि कोई कंपनी अपनी फैक्ट्री से अपने ही वेयरहाउस में अगर सामान ट्रांसफर करवा रही है तो उसको सप्लाई मान रहे हो आप, मतलब उस पर जीएसटी लगाओगे। मैंने कब कहा कि उस पर जीएसटी लगाएंगे, मैंने कब कहा कि उस पर जीएसटी लगाएंगे, मैं तो ये कह रहा हूं कि उसको सप्लाई मानेंगे। सर ऐसे कैसे होता है, ऐसे ही तो होता है, और ये सर कैसे पता चलेगा, अभी मैं बताऊंगा ना धीरे धीरे, ठीक है। ये सब मैं बताऊंगा धीरे धीरे, बड़ा मजा आएगा, ठीक
है। तो बस एक ही एग्जाम्पल के तौर पर अभी था कि अगर कोई कंपनी अपनी फैक्ट्री से कुछ सामान उठाकर अपने वेयरहाउस में डाल देती है जिससे फर्दर सेलिंग होगी, तो इसको भी ट्रांसफर माना जाएगा और ये भी सप्लाई मान लिया जाएगा। ठीक, बार्टर का मतलब क्या होता है? बार्टर का मतलब बिना पैसे का एक्सचेंज। ठीक है, बार्टर का मतलब बिना पैसे का एक्सचेंज। मैंने आपको अपना लैपटॉप गिफ्ट कर दिया, आपने मुझे अपना आईपैड गिफ्ट कर दिया, बार्टर हो गया ये। ठीक है, कि मैंने मुझे आपसे आईपैड चाहिए, उसके बदले में मैंने आपको पैसा नहीं दिया, उसके बदले में मैंने आपको अपना लैपटॉप दे दिया। ठीक है, उसके बदले में मैंने आपको अपना लैपटॉप दे दिया, दिस इज बार्टर। तो बार्टर इज व्हेन गुड्स और सर्विसेज आर सप्लाइड इन रिटर्न ऑफ गुड्स और सर्विसेज। जब आपको रिटर्न में भी गुड्स और सर्विसेज मिल रहे हैं, पैसा नहीं मिल रहा। एग्जाम्पल, अ डॉक्टर गॉट हिज हेयर कट फ्रॉम अ बार्बर एंड प्रोवाइड्स हिम मेडिकल कंसल्टेंसी इन रिटर्न। ठीक है, तो डॉक्टर ने बाल कटवा लिए और उसका जो नाई था उसका इलाज कर दिया, तो ये हो गया बार्टर। इन दिस ट्रांजैक्शन द डॉक्टर प्रोवाइडेड द मेडिकल कंसल्टेंसी सर्विसेज टू द बार्बर फॉर व्हिच कंसिडरेशन वाज इन द फॉर्म ऑफ हेयर कटिंग सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द बार्बर। ठीक है, तो डॉक्टर ने मेडिकल सर्विसेज दी, बार्बर ने क्या किया, फ्री में बाल काट दिया। सिमिलरली, बार्बर प्रोवाइडेड हेयर कटिंग सर्विसेज टू द डॉक्टर फॉर व्हिच द कंसिडरेशन वाज इन द फॉर्म ऑफ मेडिकल कंसल्टेंसी सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द डॉक्टर। तो नाई ने क्या किया, नाई ने बाल काटे, बदले में क्या हुआ, डॉक्टर ने उसका इलाज कर दिया। ये बात हो गया। ठीक है, एक्सचेंज का क्या मतलब होता है? एक्सचेंज में सिर्फ पूरा का पूरा गुड्स या सर्विसेज आपको नहीं मिलते, थोड़े से आपको गुड्स या सर्विसेज मिलते हैं और थोड़ा सा आपको कैश मिलता है। ठीक है, जैसे जैसे बहुत सारे एक्सचेंज ऑफर्स आते रहते हैं, पुराना फोन दो और नया फोन ले जाओ, पुराना फोन दो और नया फोन ले जाओ, तो नए फोन के बदले वो आपसे पुराना फोन लेते हैं, साथ ही साथ कुछ कैश भी तो लेते हैं। ठीक है, सपोज नया फोन जो है वो लेट्स से 50,000 का, नया फोन 50,000 का है, आप उनके पास अपना पुराना वाला फोन लेकर गए एंड्रॉइड फोन। ठीक है, तो उससे कहा चलो 10,000 माफ। ठीक है, तो 40,000 दे दो आप 40,000 दे दो, प्लस आप ही अपना पुराना वाला फोन दे दो और नया वाला फोन ले जाओ, दिस इज नोन एज एक्सचेंज। ठीक है, कि यहां पर इस प्रोसेस को एक्सचेंज बोलते हैं। तो एक्सचेंज कुड बी पार्टली इन गुड्स और सर्विसेज एंड पार्टली इन मनी। ठीक है, एग्जाम्पल, व्हेन अ न्यू कार वर्थ 5 लाख रुपीज इज परचेज इन एक्सचेंज ऑफ एन ओल्ड कार अलॉन्ग विद मॉनिटरी कंसिडरेशन ऑफ 4 लाख रुपीज पेड फॉर द सेट परचेज। ठीक है, 5 लाख की गाड़ी खरीदनी थी, 4 लाख कैश दिया, 1 लाख के वैल्यू की पुरानी गाड़ी दे दी, तो ये हो गया आपका एक्सचेंज। लाइसेंस क्या होता है? लाइसेंस होता है जब आप सरकार से परमिशन लेते हो कोई लॉफुल एक्टिविटी करने की। ठीक है, जैसे 2012 में हम लोगों ने प्रयागराज में दवाई की दुकान खोली। ठीक है, 2012 में, आज से 11 साल पहले हम लोगों ने प्रयागराज में एक दवाई की दुकान खोली बाय द नेम ऑफ शुचिता फार्मेसी। ठीक है, बाय द नेम ऑफ शुचिता फार्मेसी, राइट। अब ये शुचिता फार्मेसी, क्या कोई भी इंसान दवाई की दुकान ऐसी खोल के बैठ सकता है? नहीं, उसको सरकार से लाइसेंस लेना पड़ता है, उसको सरकार से लाइसेंस लेना पड़ता है, उसको सरकार से ड्रग लाइसेंस लेना पड़ता है। क्या कोई भी इंसान दारू की दुकान खोल के बैठ सकता है? नहीं, उसको सरकार से अल्कोहल का लाइसेंस लेना पड़ता है। जाहिर सी बात है, जब आप लाइसेंस लोगे तो उसके लिए आपको सरकार को पैसे तो देने पड़ेंगे। अगर आप स्टेट गवर्नमेंट के पास या कहीं भी गवर्नमेंट के पास लाइसेंस लेने जाओगे तो लाइसेंस ऐसे फ्री में तो मिलता नहीं है, पैसे देने पड़ते हैं, तो ये सप्लाई हो जाती है। तो लाइसेंस इज अ परमिशन ग्रांटेड बाय अ कॉम्पिटेंट अथॉरिटी टू एंगेज इन अ बिजनेस और ऑक्यूपेशन और इन एन एक्टिविटी अदरवाइज अनलॉफुल। अदरवाइज अनलॉफुल का मतलब लॉफुल एक्टिविटी, कोई भी ऐसी एक्टिविटी नहीं होनी चाहिए जो कि अनलॉफुल है। ठीक है, तो अगर आप किसी बिजनेस या ऑक्यूपेशन या किसी भी लॉफुल एक्टिविटी के लिए सरकार से परमिशन लेते हो तो ये लाइसेंस हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, ऑब्टेनिंग अ ड्रग लाइसेंस फॉर ओपनिंग अ फार्मेसी शॉप। ठीक है, रेंटल क्या होता है? रेंटल इज एन अरेंजमेंट टू रेंट समथिंग। मतलब मेरे पास मकान है, मैंने ये मकान आपको किराए पर दे दिया, अब आप हर महीने मेरे को इसका किराया दोगे। ठीक है, अब आप हर महीने मेरे को इसका किराया देते रहोगे। हर महीने आपने सपोज 30,000 रुपीज मेरे को किराया देना शुरू कर दिया, जितने महीने आप यहां पर हो, नहीं तो नहीं। ठीक, लीज क्या होता है? लीज भी रेंटल की तरह से ही होता है, लेकिन कुछ मेजर डिफरेंसेस है। लीज एक तो लॉन्ग टर्म के लिए होती है। ठीक है, पहले ही ये अग्री कर लिया जाता है कि मैं आपका मकान 10 साल के लिए किराए पर ले रहा हूं, मैं आपका मकान 10 साल के लिए किराए पर ले रहा हूं। ठीक है, पहली बात तो ये। दूसरी बात, जब आप कोई चीज लीज पर लेते हो, जब आप कोई चीज लीज पर लेते हो तो आप उसमें अपनी मर्जी से चेंजेस कर सकते हो।
आप उसमें अपनी मर्जी से चेंजेस कर सकते हो, ठीक है? आप उसमें अपनी मर्जी से चेंजेस कर सकते हो। जब आप किराए के मकान में होते हो तो आपको एक हथौड़ी से एक नेल भी गाड़ने के लिए, एक कील भी ठोकने के लिए आपको लगता है कि यार इससे जो मकान मालिक है उसको प्रॉब्लम तो नहीं होगी, चलो ठीक है बाद में पुट्टी करा के जाएंगे, ठीक है? ये फील आती है। तो जब आप किराए के मकान में रहते हो तो आपको कुछ भी करने से पहले मकान मालिक की परमिशन लेनी पड़ती है, लेकिन जब आपने कोई चीज लीज पर ली हुई है, एक लंबे समय के लिए लीज पर ली हुई है, तो आप बिना मालिक की परमिशन के कुछ ना कुछ कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्रीकल्चरल लैंड हम लोगों ने लीज पर ली हुई है, 50 साल की लीज है वो, ठीक है? एक एग्रीकल्चरल लैंड अगर हमने लीज पर ली हुई है, 50 साल की लीज है, तो अब उस एग्रीकल्चरल लैंड पर मैं अपना फार्म हाउस बनवाऊं, मैं आम का पेड़ लगाऊं, मैं कोई भी पेड़ लगाऊं, मैं कुछ भी करूं उस जमीन पर, वो मेरी मर्जी है, ठीक है? एज लॉन्ग एज इट इज एन एग्रीकल्चरल एक्टिविटी, क्योंकि एग्रीकल्चरल लैंड है तो उस लैंड को खराब नहीं करना है, ये बात है, ठीक है? तो ये 50 साल की लीज है, तो अब 50 साल के लिए हर साल किराया अभी भी जा रहा है, लेकिन एक बार में अग्रीमेंट हो गया, लमसम अग्रीमेंट हो गया, लंबे समय के लिए अग्रीमेंट हो गया, एंड नाउ आई एम काइंड ऑफ लाइक एन ओनर ऑफ दैट लैंड, और अब मैं उसपे कुछ भी कर सकता हूं, ठीक? तो लीज मीन्स टू मेक अ लीगल अग्रीमेंट बाय विच मनी इज पेड इन ऑर्डर टू यूज लैंड, बिल्डिंग, व्हीकल, पीस ऑफ इक्विपमेंट फॉर एन अग्रीड पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है? पीरियड ऑफ टाइम अग्रीड है। डिफरेंस बिटवीन रेंटिंग एंड लीजिंग इज दैट व्हेन यू रेंट समथिंग यू आर नॉट द ओनर एंड कैन नॉट मेक नेसेसरी चेंजेस, बट व्हेन यू लीज समथिंग यू कैन मेक नेसेसरी चेंजेस एज पर योर विश, ठीक है? तो लीज में आप अपनी मर्जी से उसमें अगर चाहो तो आप चेंजेस वगैरह कर सकते हो। डिस्पोजल का मतलब क्या होता है? तो डिस्पोजल बेसिकली किसी भी तरह से अपने पास से हटा देना, दैट इज डिस्पोजल, ठीक है? अगर ये बॉटल गिर के खराब हो जाए, ठीक है, कांच की बॉटल गिर के टूट जाए, दैट इज ऑल्सो डिस्पोजल, ठीक है? मकान है, अर्थक्वेक आ गया, मकान ढह गया, दैट इज ऑल्सो डिस्पोजल, ठीक है? मैंने ये फोन किराए वो कबाड़ में बेच दिया, डिस्पोजल। तो डिस्पोजल बेसिकली अपने पास से किसी भी तरह से हट जाए तो वो डिस्पोजल। तो डिस्पोजल मींस सेल, प्लेज, गिविंग अवे, यूज, कंजम्पशन और एनी अदर डिस्पोजिशनिंग ऑफ अ थिंग, ठीक है? मैंने कंज्यूम भी कर लिया, वो भी डिस्पोजल हो गया है। तो ये 8 चीजें थी, एंड आई एम श्योर आपको इन 8ों चीजों का मतलब अभी अच्छे से समझ में आ गया होगा। सेल, ट्रांसफर, बार्टर एक्सचेंज, लाइसेंस, रेंटिंग, लीज, डिस्पोजल, ठीक है? ये 8ों चीजें क्लियर हुई आप लोगों को? ये 8ों चीजें क्लियर हुई? जल्दी से यहां पर चैट बॉक्स में बता दो, जल्दी से बता दो चैट बॉक्स में, यस। और जितने भी लोग यूट्यूब पे देख रहे हैं, ये 8ों चीजें आप लोगों को क्लियर हुई? डन, वेरी नाइस, ठीक है? क्विकली समराइज कर दे रहा हूं। सेल मतलब कोई भी चीज बेचना, ओनरशिप को ट्रांसफर करना। ट्रांसफर का मतलब एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाना। सेल, ट्रांसफर, बार्टर, बार्टर का मतलब एक चीज के बदले दूसरी चीज ले लेना। एक्सचेंज, एक्सचेंज का मतलब एक चीज गई और साथ में कुछ पैसा भी गया और सामने से दूसरी चीज आ गई। सेल, ट्रांसफर, बार्टर, एक्सचेंज। लाइसेंस, लाइसेंस मतलब सरकार से परमिशन लेना कि हम ये बिजनेस करना चाह रहे हैं, हम यहां पर ये दुकान खोलना चाह रहे हैं, सरकार से परमिशन लेना, लाइसेंस। रेंटल, रेंटल मतलब किराए पर कोई भी चीज देना। आपने कोई भी चीज किराए पर दे दी, मंथली अग्रीमेंट हुआ या एनुअल अग्रीमेंट हुआ, जो भी है वो किराए पर आपने कोई चीज दी। लीज, लीज का मतलब लंबे ड्यूरेशन के लिए आपने दिया, और जब आप लीज पर कोई चीज लेते हो तो आप काइंड ऑफ लाइक एन ओनर बन जाते हो और आप उस पे रिक्वायर्ड चेंजेस कर सकते हो बिना ओनर की परमिशन मांगे हुए। डिस्पोजल का मतलब किसी भी तरह से अपने पास से उस चीज का हट जाना, दैट इज डिस्पोजल, ठीक है? ये 8 चीजें क्लियर हुई। तो देखो, सप्लाई मींस ऑल फॉर्म्स ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ, ऑल फॉर्म्स ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ सच एज, फॉर एग्जांपल, सेल, ट्रांसफर, बार्टर, एक्सचेंज, लाइसेंस, रेंटल, लीज, डिस्पोजल, हो गया? नेक्स्ट, मेड और अग्रीड टू बी मेड, इसका मतलब मैंने आपको बताया था, मेड और अग्रीड टू बी मेड का मतलब कि अगर मैं आपसे प्रॉमिस भी कर रहा हूं ना कि हाँ आप मुझे पैसे दो, मैं आपको बाद में पढ़ाऊंगा, तो ये भी सप्लाई हो जाती है। तो वर्ड्स मेड और अग्रीड टू बी मेड इंडिकेट दैट इवन इफ एडवांस मनी इज रिसीव्ड, इट इज ट्रीटेड एज सप्लाई, ठीक है? ओके, अब आओ बात करते हैं कंसिडरेशन पर। कंसिडरेशन का मतलब आप लोग बहुत अच्छे से जानते हो, क्विड प्रो क्वो। कंसिडरेशन का मतलब आप लोग बहुत अच्छे से जानते हो, क्विड प्रो, ठीक है? कंसिडरेशन का मतलब होता है समथिंग इन रिटर्न। अब यहां पर समथिंग इन रिटर्न को किस तरह से डिफाइन किया हुआ है, आओ देखते हैं, ठीक? द सप्लाई शुड बी फॉर अ कंसिडरेशन। बहुत आराम से सुनते रहना, लंबा है, कंसिडरेशन वाला डिस्कशन चलेगा लंबा, कुछ कुछ केसेस के बारे में बात करेंगे, बड़ा मजा आएगा, बहुत इंटरेस्टिंग है, ठीक है? कंसिडरेशन मीन्स एवरीथिंग रिसीव्ड और रिकवरेबल इन रिटर्न फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ। कि मैंने आपको सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज कर दिया, अब इसके बदले में मुझे अगर कुछ भी मिल रहा है तो दैट इज कंसिडरेशन, ठीक है? उसके बाद वो जो भी है दैट इज कंसिडरेशन।
अब कंसिडरेशन की जो टेक्निकल डेफिनेशन है, जो कंसिडरेशन की टेक्निकल डेफिनेशन है वो क्या है, उसको बहुत आराम से सुनना। तो आपको पता है हर एक्ट में एक सेक्शन टू होता है, ठीक है, और सेक्शन टू के अंदर डेफिनेशंस मेंशन होती हैं। तो कंसिडरेशन में क्या डेफिनेशन है, आओ उसको देखते हैं। तो द टेक्निकल डेफिनेशन ऑफ कंसिडरेशन इज कंसिडरेशन इन रिलेशन टू सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ इंक्लूड्स। कंसिडरेशन में क्या क्या आएगा, बहुत ध्यान से सुनते रहना, ठीक है। और याद रहे, जैसे अभी मैं एक एक लाइन को डिवाइड कर करके, एक एक वर्ड को बाइफरकेट करके उसका एनालिसिस आपके सामने ला रहा हूं, उसी तरह से कंसिडरेशन का भी लेकर आऊंगा। बस आप लोग ध्यान से सुनते रहना प्लीज, ठीक है। देखो, एनी पेमेंट मेड और टू बी मेड, या तो पेमेंट कर दिया गया हो या करना बाकी हो, वेदर इन मनी और अदरवाइज, चाहे पैसे में चाहे किसी और तरीके से, ठीक है, किसी और तरीके से मतलब काइंड में भी हो सकता है, ठीक, इन रिस्पेक्ट ऑफ, इन रिस्पॉन्स टू और फॉर द इंड्यूसमेंट ऑफ, ठीक है, इन तीनों का मतलब अभी समझेंगे। द सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ, ठीक है, किसके बदले आप कंसिडरेशन दे रहे हो, किसके बदले आप पेमेंट कर रहे हो, एनी पेमेंट मेड और अग्रीड टू बी मेड वेदर इन मनी और अदरवाइज, इन इन चीजों का किसके लिए, सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ, ठीक है। सप्लाई ऑफ गुड्स के बदले अगर आप पैसे में या पैसे के अलावा किसी भी तरह से पेमेंट कर रहे हो, वेदर बाय द रेसिपियंट और बाय एनी अदर पर्सन, वेदर बाय द रेसिपियंट और बाय एनी अदर पर्सन, स्कूल पढ़ाता है एक बच्चे को लेकिन बच्चे की फीस भरते हैं उसके पेरेंट्स, ठीक है, तो कंसिडरेशन, सप्लाई किसको मिल रही है, स्कूल किसको पढ़ा रहा है, स्कूल पढ़ा रहा है बच्चे को, लेकिन बच्चा क्या फीस अपनी खुद से पे कर पा रहा है, नहीं, बच्चा बच्चे के बिहाफ पर फीस कौन पे कर रहा है, पेरेंट्स पे कर रहे हैं। तो कंसिडरेशन कौन दे रहा है, क्या कंसिडरेशन रेसिपियंट दे रहा है, रेसिपियंट मतलब जो सप्लाई को रिसीव कर रहा है, स्कूल में जो भी चीजें हो रही है, पढ़ाई हो रही है, खेलकूद हो रहा है, जो भी हो रहा है, वो तो बच्चा रिसीव कर रहा है ना, वो बच्चा रिसीव कर रहा है, लेकिन क्या वो बच्चा खुद पेमेंट कर रहा है, नहीं, पेमेंट कौन कर रहा है, कोई एक थर्ड पार्टी, उसके पेरेंट्स, ठीक है। तो कंसिडरेशन रेसिपियंट खुद भी कर सकता है, कोई अदर पर्सन भी कर सकता है, बट शैल नॉट इंक्लूड एनी सब्सिडी गिवन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। तो कभी कभी प्रोजेक्ट्स चलाने के लिए, मशीन वगैरह खरीदने के लिए सरकारें जो है वो सब्सिडी दे देती हैं, बेसिकली काफी सारा पैसा दे देती हैं कि इस पैसे को यूज करके आप अपना बिजनेस चलाओ या इस पैसे को यूज करके आप मशीनें लगाओ वगैरह वगैरह, तो उसको कंसिडरेशन नहीं माना जाएगा, ठीक है, उसको कंसिडरेशन नहीं माना जाएगा। एक पॉइंट तो ये हुआ कंसिडरेशन का। अभी भी ये तीन टर्म जो है, इन रिस्पेक्ट ऑफ, इन रिस्पॉन्स टू और फॉर द इंड्यूसमेंट ऑफ, इनका मतलब अभी समझना बाकी है, लेकिन कंसिडरेशन की डेफिनेशन में ही एक पॉइंट और है कि कंसिडरेशन इंक्लूड्स द मॉनेटरी वैल्यू, द मॉनेटरी वैल्यू ऑफ एनी एक्ट और फोरबियरेंस, एनी एक्ट और फोरबियरेंस, मतलब आपने मेरे लिए कुछ किया, आपने मेरे को कुछ सामान दिया, मैंने आपको कुछ सामान ने मैंने उसके बदले में आपको कुछ पैसा नहीं दिया, मैंने उसके बदले में आपको कुछ सामान नहीं दिया, ठीक है, आपने मुझे कुछ गुड्स या सर्विसेज सप्लाई की, आपने मुझे कुछ गुड्स या सर्विसेज सप्लाई की, मैंने बदले में आपको ना तो पैसा दिया ना तो आपको कुछ सामान दिया, ठीक है, अभी यहां पर तो यही था ना, यहां पर तो यही था, इन मनी और अदरवाइज, ठीक है, वेदर इन मनी और इन अदरवाइज, कि मैंने आपको या तो पैसा दिया या तो मैंने आपको कुछ सामान दिया। अब यहां पर बोला जा रहा है कि कंसिडरेशन उसको भी मानेंगे अगर आप कुछ काम करते हो या आप कोई काम नहीं करते हो, अगर आप कुछ काम करते हो या आप कुछ काम नहीं करते हो, ठीक है, आपने मुझे पैसा दिया, आपने मुझे पैसा दिया, मैंने आपको पढ़ाया, आपके पैसे के बदले मैं पढ़ा रहा हूं, आपके पैसे के बदले मैं आपको कंसिडरेशन दे रहा हूं, ठीक है, आपके पैसे के बदले मैं आपको कंसिडरेशन दे रहा हूं, मेरे पढ़ाने के बदले आप मुझे कंसिडरेशन दे रहे हो, सिंपल एज दैट, ठीक है, या आपने मुझसे कुछ कहा, या मैंने आपसे सपोज कहा कि देखो मैं आपको पढ़ाऊंगा, बदले में मेरे को पैसा नहीं चाहिए, बदले में मेरे को पैसा नहीं चाहिए, बदले में मेरे को कोई गाड़ी गाड़ी जायदाद वगैरह कुछ नहीं चाहिए, तो मनी एक्सक्लूड हो गया, बिकॉज मैंने आपसे कहा कि मैं आपको पढ़ाऊंगा, मेरी सर्विस है, मैं आपको पढ़ाऊंगा, बदले में मुझे आपसे पैसा नहीं चाहिए, मनी एक्सक्लूड हो गया, तो आपने कहा कि कोई बात नहीं सर, मैं आपको कार गिफ्ट कर देता हूँ, कार दे देता हूँ आपके पढ़ाने के बदले, मैंने कहा मुझे कार भी नहीं चाहिए, मैंने कहा मुझे कार भी नहीं चाहिए, डन, तो आपने कहा तो सर आपको क्या चाहिए, तो सर आपको क्या चाहिए, मैंने कहा मैं आपको पढ़ाऊंगा और बदले में ना आप मेरी एडवर्टीजमेंट कर दो, ठीक है, बदले में आप मेरी एडवर्टीजमेंट कर दो, आप कैसा एडवर्टीजमेंट कर दो, आपने एक टेलीग्राम चैनल खोल लो,
टेलीग्राम चैनल पर आप अपने बाकी सभी दोस्तों को वो टेलीग्राम चैनल का लिंक शेयर करो और आप सबको बोलो कि देखो निशांत कुमार से आके पढ़ाई करो, ठीक है। तो क्या मैंने आपको पढ़ाने के लिए आपसे पैसे लिए? नहीं। क्या मैंने आपसे कुछ और इन काइंड कुछ आपसे कंसंट्रेशन लिया, गाड़ी ली, बंगला लिया? नहीं। बट आई मेड यू टू डू समथिंग, आई मेड यू डू समथिंग, तो यू एक्टेड फॉर दैट, ठीक है। तो इस एक्ट की मॉनिटरी वैल्यू क्या होगी, वो कंसिडरेशन हो जाएगा, वो कंसिडरेशन हो जाएगा। या फिर फोरबियरेंस, फोरबियरेंस मतलब मत करो ये काम, मत करो ये काम, ठीक है। जैसे मैंने आपसे कहा कि मैं आपको पढ़ाऊंगा, बदले में मुझे आपसे फीस नहीं चाहिए, बदले में मुझे आपसे कोई गाड़ी बंगला कुछ नहीं चाहिए, तो आपने कहा तो सर बदले में मैं क्या कर सकता हूं आपके लिए? तो मैंने कहा बस आप इतना काम करो, अब मुझे ऐसे दिमाग में आ नहीं रहा है कि मैं क्या मना करूं आपको करने के लिए। चलो मैंने कहा बदले में बस इतना काम करो कि 6 महीने के लिए अपना इंस्टाग्राम अनइंस्टॉल कर दो, ठीक है। बदले में बस तुम इतना काम करो कि 6 महीने के लिए इंस्टाग्राम अनइंस्टॉल कर दो, इंस्टाग्राम आप देखोगे भी नहीं, ठीक है। ये हो गया फोरबियरेंस। आपने कहा चलो ठीक है सर, ठीक है मैं आपको पढ़ाऊंगा, 6 महीने के लिए आपने सपोज अपना इंस्टाग्राम अनइंस्टॉल कर दिया, तो ये हो गया फोरबियरेंस, ठीक है। क्यों? In respect of, in response to, for the inducement of, the supply of goods or services or both, whether by the recipient or any other person, but shall not include any subsidy given by the central government or state government. बाकी सारी चीजें तो सेम थी, ठीक है। इन दोनों पॉइंट्स में कंसिडरेशन से रिलेटेड जो दो पॉइंट्स दिए हैं, इन दोनों पॉइंट्स में फर्क सिर्फ इतना था, यहां पर पेमेंट आप दे रहे थे चाहे मनी में चाहे अदरवाइज, और यहां पर आप कोई एक्ट कर रहे हो या आप कोई एक्ट नहीं कर रहे हो, उस एक्ट या फोरबियरेंस की मॉनेटरी वैल्यू आ रही है, बाकी सारी चीजें एकदम से। इन रिस्पेक्ट ऑफ, इन रिस्पॉन्स टू, फॉर द इंड्यूसमेंट ऑफ, द सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज ऑफ बोथ, वेदर बाय रेसिपिएंट और एनी अदर पर्सन, बट शैल नॉट इंक्लूड एनी सब्सिडी गिवन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, ठीक। अब पेमेंट मेड और अग्रीड टू बी मेड मींस एडवांस इज ऑल्सो कवर्ड, ठीक है। यहां पर लिखा हुआ है एनी पेमेंट मेड और अग्रीड टू बी मेड, मेड और टू बी मेड, ठीक है। पेमेंट मेड और अग्री टू बी मेड का मतलब एडवांस भी इसमें आ जाएगा। वेदर इन मनी और अदरवाइज का मतलब इट इज नॉट नेसेसरी दैट द कंसीडरेशन हैज टू बी इन कैश और कैश इक्विवेलेंट्स, इट कुड बी इन काइंड एज वेल, ठीक है। वेदर इन मनी और अदरवाइज का मतलब ये हो गया। इन रिस्पेक्ट ऑफ का मतलब क्या हो गया? इन रिस्पेक्ट ऑफ का एग्जाम्पल देखो, जब आप मार्केट से कुछ खरीदते हो और आप उसके बदले पैसा देते हो, तो इसको बोलते हैं कि यू पेड मनी इन रिस्पेक्ट ऑफ दैट परचेज, ठीक है। तो दैट इज कॉल्ड पेइंग इन रिस्पेक्ट ऑफ वट एवर यू बॉट, ठीक है। इन रिस्पेक्ट ऑफ वट एवर यू बॉट, राइट। इन रिस्पॉन्स टू का मतलब क्या होता है कि सपोज मैंने आपके लिए कोई एक फेवर किया, मैंने आपके लिए एक फेवर किया और अब आप उसके बदले कुछ और देना चाहते हो, मुझे कोई एक फेवर के बदले आप कुछ करना चाहते हो, एंड दैट इज नोन एज इन रिस्पॉन्स टू, ठीक है। इन रिस्पॉन्स टू, राइट। फॉर द इंड्यूसमेंट ऑफ, फॉर द इंड्यूसमेंट ऑफ मैं आपसे कह रहा हूं देख तू अगर ऐसा करेगा तो मैं तेरे लिए ऐसा कर दूंगा, ठीक है। तो आई एम आस्किंग यू टू डू समथिंग बट यू नॉट रेडी टू डू इट, आई टेल यू दैट इफ यू डू इट आई विल से गुड थिंग्स टू यू, गुड थिंग्स अबाउट यू टू योर क्रश, मैं आपकी क्रश के सामने जाकर आपकी तारीफ करूंगा। तो मैं अब आपको इंड्यूस कर रहा हूं कि आप मेरी बात मान लो, आप मेरी बात मान लो, अगर आपने मेरी बात मान ली तो मैं आपकी क्रश के सामने जाकर आपके बारे में अच्छी अच्छी बातें बोलूंगा, मैं आपकी क्रश के सामने जाकर आपके बारे में अच्छी अच्छी बातें बोलूंगा, दैट इज फॉर द इंड्यूसमेंट ऑफ। तो मैंने एक तरह से आपको रिश्वत दे दी परसुएड करने के लिए कि आप मेरी बात मान लो तो मैं आपकी क्रश के सामने ऐसा ऐसा कुछ करूंगा, ठीक है। तो अभी क्लियर हो गया इन रिस्पेक्ट ऑफ का मतलब क्या हो गया? ये सब कुछ लिखने के लिए एग्जाम में नहीं आएगा। अभी मैंने आपसे स्टार्टिंग में भी बोला था कि किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में, उसको हम लोग अभी धीरे धीरे देखेंगे, ठीक है। तो इन रिस्पेक्ट ऑफ का मतलब क्या हो गया? आपने कोई चीज खरीदी उसके बदले आपने पैसा दे दिया, इन रिस्पेक्ट ऑफ। इन रिस्पॉन्स टू का मतलब क्या हो गया? मैंने आपके लिए कुछ किया उसके लिए आपने रेसिप्रोकेट करके मैंने आपको, आपने मेरे लिए कुछ कर दिया। फॉर द इंड्यूसमेंट ऑफ का मतलब क्या हो गया? आप करने को राजी ही नहीं हो, मैंने आपसे कहा देख अगर तू ये कर देगा तो मैं आपके लिए ऐसा कर दूंगा, ठीक है। वेदर बाय रेसिपिएंट और बाय एनी अदर पर्सन, दिस मींस दैट कंसीडरेशन कैन फ्लो फ्रॉम थर्ड पार्टी एज वेल। सब्सिडीज गिवन बाय सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट आर नॉट कंसिडर्ड एज कंसीडरेशन। मॉनिटरी वैल्यू ऑफ एन एक्ट, मॉनिटरी वैल्यू ऑफ एन एक्ट का मतलब क्या हो गया कि आपने मुझे कुछ पैसा दिया टू डू समथिंग, ठीक है। तो मैंने कुछ किया, मतलब वही मैंने आपको बोला ना कि मैं आपको पढ़ाऊंगा, मैं आपको पढ़ाऊंगा, आप उसके लिए कुछ काम कर दो मेरे लिए, तो उस काम की मॉनिटरी वैल्यू, ठीक है। या आपने मेरे को पैसा दे दिया मेरी क्लासेस रन करने के लिए, तो मॉनिटरी वैल्यू ऑफ एन एक्ट। मॉनिटरी वैल्यू ऑफ फोरबियरेंस, दिस मींस दैट यू हैव गिवन मी सम मनी टू एब्स्टेन फ्रॉम डूइंग समथिंग, टू एब्स्टेन फ्रॉम डूइंग समथिंग। जैसे सपोज कल को आप सीए बन गए, ठीक है, बनोगी कल को सीए बने, आप में से कोई एक मेरे पास आया, मैंने आपसे पूछा कि भाई क्या प्लान है और, तो
तो आपने कहा कि सर मैं ना पढ़ाऊंगा। मैंने कहा चल बड़ी अच्छी बात है, क्या पढ़ाओगे आप? तो आपने कहा कि सर मैं तो टैक्स पढ़ाऊंगा। मैंने कहा यार ये तो मेरे ही पेट पे लात मारने वाली बात हो गई। मैंने कहा यार ये तो मेरे पेट पे लात मारने वाली बात हो गई। यार ऑब्वियसली बात है, आप बहुत ज्यादा यंग हो, ठीक है, आप यंग ऑडियंस के साथ ज्यादा अच्छे से रेजोनेट कर पाओगे, ठीक है, आप ज्यादा अच्छा पढ़ा पाओगे, ठीक है। तो मैंने कहा यार ये तो मेरे ही पेट पे लात मारने वाली बात हो गई। मैंने कहा लो 50 लाख रुपए और मेरे से प्रॉमिस करो कि आप टैक्स नहीं पढ़ाओगे, कोई भी और सब्जेक्ट पढ़ा लो आप टैक्स नहीं पढ़ाओगे, ठीक है। मैंने कहा लो 50 लाख रुपए और आप टैक्स नहीं पढ़ाओगे, तो ये आई हैव आस्क्ड यू नॉट टू डू समथिंग और उसके बदले मैंने आपको पैसे दिए, ठीक। यहां तक कंसिडरेशन की डेफिनेशन थी, ये आपको क्लियर हो गई होगी, ठीक है। तो कंसिडरेशन में दो पॉइंट्स आए थे, एक तो एनी पेमेंट मेड और टू बी मेड वेदर इन मनी और अदरवाइज इन रिस्पेक्ट ऑफ इन रिस्पॉन्स टू फॉर द इंड्यूसमेंट ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ whether in cash whether in whether in money or otherwise whether in money or whether in money or otherwise where, sorry whether by the recipient or by any other person ठीक है in the course of furtherance of business जो भी था, ठीक। definitions आपको रटने की कोई जरूरत नहीं है, but इसमें subsidy नहीं आएगी, ठीक। एक बार अब फिर से एक बार consideration के definition पढ़ो। any payment made or to be made whether in money or otherwise in respect of in response to or for the inducement of The supply of goods or services or both, whether by the recipient or by any other person, but shall not include any subsidy given by the central government or state government. Either monetary value of any act or forbearance in respect of, in response to, for the inducement of the supply of goods or services or both, whether by the recipient or by any other person, but shall not include any subsidy given by central government or state government. ठीक है, यहां तक की बात आप सब लोगों को एकदम क्लियरली समझ में आ गई होगी। आई एम श्योर सब समझ में आ गया। बोलो स्टे फॉरएवर, बोलो स्टे फॉरएवर, स्टे, ठीक है। फटाफट से आप लोग यहां पर बता दो मेरे को, यहां कंसिडरेशन की यहां तक की बात आपको समझ में आए? यस एवरीबॉडी, यूट्यूबर्स, ऑल द यूट्यूब स्टूडेंट्स, यस क्लियर हो गया। चलो बड़ी अच्छी बात। इसके अलावा एक प्रोवाइजो भी है, इसके अलावा एक प्रोवाइजो भी है। प्रोवाइजो का मतलब क्या होता है? प्रोवाइजो का मतलब होता है एक कंडीशन, ठीक है। प्रोवाइजो का मतलब होता है एक कंडीशन, ठीक है। प्रोवाइडेड दैट, ये काम तभी होगा अगर ऐसा हुआ तो। पापा ने रूल बनाया कि रोज दोपहर को सब लोग लंच के लिए आएंगे, प्रोवाइडेड दैट उस दिन खाना घर पे खाना हो। अगर मान लो प्लान हो गया, अगर मान लो ये प्लान हुआ कि आज तो उस पार्टी में जाना है, ठीक है, तो उस पार्टी में हम दोपहर को 12 बजे से हैं और पार्टी चलेगी दोपहर को 12 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक, ठीक है। पार्टी चलेगी दोपहर 12 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक, तो क्या पार्टी को छोड़ के सारे लोग घर पे आएंगे 1:30 बजे के? नहीं नहीं भैया, लंच तो यहीं पर होना है। नहीं, तो कंडीशन है। कंडीशन क्या है कि प्रोवाइडेड दैट एवरीबॉडी इज इन होम, तो इसको बोलते हैं प्रोवाइजो, ठीक है, इसको बोल देते हैं प्रोवाइजो, ठीक है। तो लॉ बनता है, लॉ में पापा ने कहा कि एग्जैक्टली एट 1:30 PM एवरी डे ऑल द मेंबर्स ऑफ हाउस होल्ड विल मीट एट दिस डाइनिंग टेबल वेयर वी ऑल विल हैव लंच प्रोवाइडेड दैट वी आर नॉट एल्सवेयर, ठीक है। अगर हम कहीं और हैं, अगर हम किसी और पार्टी में, तब ठीक है, तब कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन अगर हम घर में हैं तो हम यहां पर होंगे। तो प्रोवाइडेड दैट वी आर नॉट एल्सवेयर, प्रोवाइडेड वी आर ऑल एट होम, तो इसको बोलते हैं प्रोवाइजो, ठीक है। प्रोवाइडेड दैट करके लिखा रहता है, इसको बोलते हैं प्रोवाइजो, ठीक। तो ये जो सेक्शन 231 है, इसमें कंसिडरेशन की डेफिनेशन दी हुई है और उसके नीचे एक कंडीशन डाली हुई है, प्रोवाइडेड दैट डाला हुआ है। वो कहता है कि डिपॉजिट गिवन इन रिस्पेक्ट ऑफ द सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज ऑफ बोथ शैल नॉट बी कंसिडर्ड एज पेमेंट मेड फॉर सच सप्लाई अनलेस द सप्लायर अप्लाइज सच डिपॉजिट ऑफ एज कंसिडरेशन फॉर दैट सप्लाई। इसका मतलब क्या हुआ भाई साहब? ये तो समझ ही नहीं आया क्या क्या हो रहा है यहाँ पर। एक एक लाइन ऐसी ऐसी पढ़ रहे हैं, उसके अंदर पता नहीं कितने कितने वर्ड्स हैं और उन वर्ड्स में से एक एक वर्ड का मतलब नहीं समझ में आ रहा। बस इन ऑफ द इसका मतलब समझ में आ रहा है, और द तो वैसे भी बहुत ही फालतू की चीज है अंग्रेजी भाषा में, ठीक है। द तो वैसे भी बहुत ही फालतू की चीज है अंग्रेजी भाषा में, तो भाई इसका मतलब क्या हुआ? तो देखो, एक चीज होती है डिपॉजिट, ठीक है, एक चीज होती है डिपॉजिट। क्या होता है डिपॉजिट? जब आप कोई मकान किराए पर लेने जाते हो ना, तो किराएदार आपसे 2 महीने का रेंट पहले से लेकर रख लेता है, ठीक है, आपसे सपोज, या फिर एक कोई लमसम अमाउंट 25-25 हजार रुपए या 25,000 रुपए 30,000 रुपए आपसे लमसम लेकर रख लेता है। क्यों रख लेता है? कि अगर आपने कोई तोड़फोड़ मचाई घर में,
अगर आपने कुछ डैमेज किया तो उस डैमेज की भरपाई के लिए पहले से ही ये 25-30 हज़ार रुपए लेकर रखा हुआ है। दिस इज नोन एज अ डिपॉजिट, सिक्योरिटी डिपॉजिट काइंड ऑफ थिंग। ठीक है, जब मैं डीपीएस नोएडा में था, मैं 4 साल डीपीएस नोएडा में पढ़ा हूँ, क्लास 9 से लेकर 12 तक, क्लास 9, 10, 11, 12 मैं डीपीएस नोएडा में पढ़ा हूँ। ठीक है, तो क्लास 9, 10, 11, 12 में मैं हॉस्टल में भी था, तो हॉस्टल के लिए 9th क्लास में जब मैं गया था तो वहां पर उन्होंने सिक्योरिटी डिपॉजिट ले लिया था। और 4 साल बाद जब क्लास 9, 10, 11, 12 हो गया और जब मैंने वो स्कूल और हॉस्टल छोड़ा, तब जाकर वो डिपॉजिट अमाउंट मेरे को वापस दे दिया गया कि ठीक है यार निशांत कुमार, तुम तो अच्छे स्टूडेंट थे, तुमने कोई तोड़फोड़ नहीं मचाई, तुम तो बड़ी मस्त थे, एकदम कोई दिक्कत वाली बात नहीं उसमें होगी। ठीक है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। आई होप ये वाली बात आपको क्लियर हो रही है। तो दैट इज नोन एज डिपॉजिट। ठीक है, तो अब मुझे एक बात बताओ, अगर मैं किसी मकान को किराए पर लेने जाता हूं और मकान मालिक मुझसे कहता है कि 25,000 रुपए डिपॉजिट दे दो, मैं कोई मकान को किराए पर लेने जाता हूं और मकान मालिक मुझसे कहता है 25,000 रुपए डिपॉजिट दे दो, तो क्या इसको कंसिडरेशन मान सकते हैं? आप बोलोगे हाँ सर मान तो सकते हैं। मैं पूछता हूं इन रिस्पेक्ट ऑफ वॉट, इन रिस्पॉन्स टू वॉट, फॉर द इंड्यूसमेंट ऑफ वॉट, अभी तो कुछ ऐसा हुआ ही नहीं है ना, समझ रहे हो आप? एकदम लॉजिक है, एकदम लॉजिक है, समझ रहे हो आप? जो डिपॉजिट मैं आपको एडवांस में दे रहा हूं वो किस लिए दे रहा हूं, अभी कहां पता? वो तो तब पता चलेगा ना जब इस डिपॉजिट के अमाउंट को यूज करके कुछ ना कुछ करवाया जाएगा। पता लगा मैंने दीवारों पर कीलें ठोकनी है, अब मकान मालिक जो है उस दीवार को पेंट करवा रहा है, कहां से पैसा यूज करके? वही मेरे डिपॉजिट वाला पैसा यूज करके। तो अब आएगा ना कंसिडरेशन कि भाई मैंने तोड़फोड़ मचाई और उसके कंसिडरेशन में मैंने पैसा दिया जिससे अब मकान मालिक पेंट करवा रहा है। जब मैं डिपॉजिट दे रहा हूं मैंने पैसा दे दिया, किस पर्पस के लिए पैसा दे रहा हूं क्या पता? वही देखो यहां पर लिखा हुआ है, डिपॉजिट गिवन इन रिस्पेक्ट ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ शैल नॉट बी कंसिडर्ड एज पेमेंट मेड फॉर सच सप्लाई अनलेस द सप्लायर अप्लाइज सच डिपॉजिट एज कंसिडरेशन फॉर दैट सप्लाई। बताते हैं, अभी पूरा खत्म नहीं हुआ है। ये बात क्लियर हुई कि डिपॉजिट जब मैंने दिया तो इसको कंसिडरेशन नहीं माना जाता है। लेकिन हाँ, अब एक एग्जाम्पल सुनो, मैंने 1 महीने का रेंट, सपोज 25,000 रुपए मैंने पहले से डिपॉजिट दे दिया। ठीक है, मैंने पहले से डिपॉजिट दे दिया, अब मैं आराम से हर महीने रह रहा हूं, हर महीने में किराया देता जा रहा हूं, हर महीने रेंट कंसिडरेशन के फॉर्म में जाता जा रहा है, हर महीने कंसिडरेशन रेंट के फॉर्म में जाता जा रहा है, कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है। ठीक है, अब क्या हुआ, मुझे ये मकान छोड़ना है। अब क्या हुआ कि मुझे ये मकान जो है, ये मकान मुझे छोड़ना है, सीसीटीवी कैमरा लगाया यहाँ पर, तो मुझे बड़ा मजा आ रहा है, ऐसा लग रहा है कि कोई देख रहा है मेरे को यहाँ पर। ठीक है, तो थोड़ा सा मैं कॉन्शियस भी हुए जा रहा हूँ। ठीक, एनीवे, तो क्या बता रहा था मैं, हाँ कि डिपॉजिट जो है वो क्या होता है कि मैंने, हाँ मैं आपको एग्जांपल दे रहा था कि मैंने मकान के लिए सपोज 25,000 रुपए का डिपॉजिट दिया और अब मैं हर महीने उसमें रेंट पे किया जा रहा हूं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, हर महीने मैं उसमें रेंट पे किया जा रहा हूं, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, राइट। अब सपोज मैंने कुछ महीनों बाद सोचा कि मेरे को अब मकान शिफ्ट करना है और जो भी मेरा मकान मालिक है मैंने उससे कहा कि देखो ये आखिरी महीना है जब मैं आपके मकान में रह रहा हूं, अगले महीने में अगले मकान में चला जाऊंगा। ठीक है, अगले महीने में अगले मकान में चला जाऊंगा और फिर मैंने मकान मालिक से कहा और इस आखिरी महीने का किराया मैं आपको नहीं दूंगा। ठीक है, मैंने मकान मालिक से कहा इस आखिरी महीने का किराया मैं आपको नहीं दूंगा, याद है स्टार्टिंग में मैंने आपको एक डिपॉजिट दिया था, उस डिपॉजिट को आप इस किराए के तौर पर मान लो। ठीक है, उसी डिपॉजिट को आप यहां के इस महीने के किराए के लिए मान लेना, हर महीने का किराया मैं आपको 25,000 रुपए दे रहा हूं, मैं आपको 25,000 रुपए पहले एडवांस में डिपॉजिट कर चुका हूं, मैं आपको डिपॉजिट कर चुका हूं, अब वो डिपॉजिट आप इस किराए के अगेंस्ट में यूटिलाइज कर लेना, सिंपल। ठीक है, तो अब ये वाला जो डिपॉजिट है अब इसको कंसिडरेशन मान लिया जाएगा। डिपॉजिट इज नॉट एडवांस, ठीक है, डिपॉजिट इज नॉट एडवांस, डिपॉजिट तो आपने दे दिया, किस पर्पस के लिए यूज होगा बाद की बात है। हाँ अगर एडवांस रेंट दिया होता, बोल के दिया होता कि ये अगले 2 महीने का किराया मैं आपको एडवांस में दे रहा हूं, दैट इज कंसिडरेशन। ठीक है, दैट इज कंसिडरेशन। लेकिन अगर मैं आपको कुछ ऐसे लमसम पैसा दे रहा हूं, पता नहीं रख लो काम आएगा किसी भी चीज के लिए, तो दैट इज डिपॉजिट। ठीक है, तो आई होप डिपॉजिट और एडवांस का मतलब आपको समझ में आ रहा है। ठीक है, डिपॉजिट मतलब क्या हो गया कि आपने लमसम पैसा दे दिया, अब जब वो डिपॉजिट रेंट के तौर पर यूज कर लिया जाएगा तब उसको कंसिडरेशन मानेंगे, उससे पहले उसको कंसिडरेशन नहीं मानेंगे। ठीक है, तो वही चीज यहां पर लिखी हुई है। अब ये वाली लाइन दोबारा पढ़ो,
Deposit given in respect of the supply of goods or services or both shall not be considered as payment unless the supplier applies such deposit as consideration for that supply. तो वो जो सप्लायर है उसको इस डिपॉजिट को अप्लाई करना पड़ेगा, मतलब अब उसने कह दिया कि हाँ ठीक है, अब आप रेंट मत दो, ये जो आपने डिपॉजिट अमाउंट दिया था इसी को मैं रेंट के तौर पर यूज कर लूंगा, नाउ दिस इज कंसिडरेशन। ठीक है, तो डिपॉजिट इज बेसिकली काइंड ऑफ अ सिक्योरिटी मनी व्हिच इज नॉट स्पेसिफिकली अमाउंट टू एनी पर्टिकुलर ऑब्लिगेशन। फॉर एग्जांपल, व्हेन यू टेक अ हाउस ऑन रेंट यू नीड टू गिव सम मनी टू द लैंडलॉर्ड एज डिपॉजिट व्हिच यू गेट बैक व्हेन यू लीव द हाउस, सो दिस डिपॉजिट इज नॉट अ कंसिडरेशन। हाउएवर, इफ द लैंडलॉर्ड एट सम लेटर पॉइंट अप्रोप्रिएट्स दिस डिपॉजिट अगेंस्ट योर रेंट लायबिलिटी देन इट विल बी ट्रीटेड एज कंसिडरेशन। ठीक है, तो द डिफरेंस बिटवीन एडवांस एंड डिपॉजिट हैज बीन क्लैरिफाइड एंड एडवांस हैज टू बी यूटिलाइज्ड फॉर दैट स्पेसिफिक पर्पस फॉर व्हिच द एडवांस इज मेड, वेयर एज यूटिलाइजेशन ऑफ अ डिपॉजिट डिपेंड्स एंटायरली ऑन द पर्सन विद हुम इट इज डिपॉजिटेड। ठीक है, तो जो एडवांस होता है, जो एडवांस होता है उसका जो अप्रोप्रिएशन, उसका जो यूटिलाइजेशन है वो तो उसी पर्पस के लिए होगा। मैंने आपको एडवांस रेंट दिया, मैंने आपको एडवांस रेंट दिया, ठीक है, मैंने आपको रेंट के तौर पर एडवांस दिया, मकान मालिक को मैंने सपोज 2 महीने का रेंट एडवांस में दिया। अब 1 महीने बाद आकर मकान मालिक मुझसे नहीं कह सकता कि लाओ रेंट दो, मैंने कहा क्यों, तो कहता अरे वो जो तुमने 2 महीने का रेंट दिया था वो उससे हम लोगों ने ये दीवार विवार बनवा ली, तो मैंने कहा मैं क्या करूं, अगर आपको दीवारें बनवानी थी तो आप मुझसे बात करते ना, मैंने आपको रेंट के तौर पर वो पैसा दिया था। ठीक है, आप उस पैसे का यूटिलाइजेशन सिर्फ रेंट के अगेंस्ट कर सकते हो, आप उस पैसे का यूटिलाइजेशन किसी और चीज के अगेंस्ट नहीं कर सकते हो। ठीक, कंसिडरेशन का मतलब यहां तक आपको समझ में आ रहा है, फटाफट से बता दो, जल्दी से बता दो, कंसिडरेशन का मतलब आपको यहां तक समझ में आ रहा है? यस, बहुत बढ़िया। अब उसके बाद कुछ तो क्लैरिफिकेशंस आए, ठीक है, तीन क्लैरिफिकेशंस हैं, इन तीन क्लैरिफिकेशंस को हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, 1, 2 और 3, ये तीन क्लैरिफिकेशंस हैं, 1, 2 और ये 3, इन तीनों क्लैरिफिकेशंस को हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, तो कंसिडरेशन का डिस्कशन जो है वो हम लोग कंटिन्यू करेंगे अगली क्लास में। आई होप यहां तक की बात आपको समझ में आ चुकी है, आई होप आपको मजा आया होगा आज वाले सेशन में। मैं एक बार क्विकली सप्लाई का एक कंसोलिडेशन बताता हुआ चल रहा हूं आपको। ठीक है, तो हम लोगों ने बात की सबसे पहले सेक्शन 7 के बारे में। सेक्शन 7 में मैंने आपको बताया कि 4 सबसेक्शंस होते हैं, 1, 1A, 2 और 3। 1 के अंदर 4 क्लॉजेस होते हैं, A, AA, B और C। A कहता है सप्लाई इंक्लूड्स ऑल फॉर्म्स ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ सच एज सेल, ट्रांसफर, बार्टर, एक्सचेंज, लाइसेंस, रेंटल, लीज, डिस्पोजल, मेड और अग्रीड टू बी मेड बाय अ पर्सन इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस फॉर अ कंसीडरेशन। सॉरी, ठीक है, ये हो गया सप्लाई क्या क्या होता है। बी कहता है इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज फॉर अ कंसीडरेशन वेदर और नॉट इट इज इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, इट विल स्टिल बी ट्रीटेड एज अ सप्लाई। सी कहता है कि शेड्यूल 1 की कुछ एक्टिविटीज हैं जो अगर बिजनेस के लिए हो भले ही कंसीडरेशन ना हो फिर भी उनको सप्लाई माना जाएगा। 1A कहता है कि एक शेड्यूल 2 है उसमें वो एक्टिविटीज हैं जिनमें पहले बहुत लिटिगेशन रहा था, तो उससे हम बताएंगे कि इन एक्टिविटीज को सप्लाई ऑफ गुड्स मानना है और इन एक्टिविटीज को सप्लाई ऑफ सर्विसेज मानना है। सबसेक्शन 2 शेड्यूल 3 कहता है कि कुछ ऐसी एक्टिविटीज हैं जिनको ना तो सप्लाई ऑफ गुड्स मानना है ना तो सप्लाई ऑफ सर्विसेज मानना है। सबसेक्शन 3 कहता है कि सरकार के पास पावर है कि वो नोटिफिकेशन के जरिए ये स्पेसिफाई कर सकती है कि आज से इस वाली एक्टिविटी को सप्लाई ऑफ गुड्स मानेंगे और इस वाली एक्टिविटी को सप्लाई ऑफ सर्विसेज मानेंगे। ठीक है, सेक्शन 7 का एक ओवरव्यू आपके सामने आ चुका है। उसके बाद हम लोगों ने इसका एनालिसिस करना शुरू किया था। हम लोगों ने सबसे पहले बात की थी कि गुड्स या सर्विसेज अगर नहीं है तो उसको सप्लाई नहीं माना जाएगा। जैसे मैंने आपको पैसे के बारे में बताया, जैसे मैंने आपको शेयर्स के बारे में बताया कि जब आप शेयर्स बेचते हो तो उस पर जीएसटी नहीं लगता, शेयर्स बेचने पर जो ब्रोकरेज होती है उस पर जीएसटी लगता है। ठीक, सेल, ट्रांसफर, बार्टर, एक्सचेंज, लाइसेंस, रेंटल, लीज और डिस्पोजल। तो सेल में क्या होता है, सेल का मतलब आपने ओनरशिप ट्रांसफर कर दी, ट्रांसफर का मतलब आपने एक जगह से दूसरी जगह पर सामान ट्रांसफर कर दिया, बार्टर का मतलब आपने गुड्स के बदले गुड्स ले लिए या सर्विसेज के बदले सर्विसेज ले ली, एक्सचेंज का मतलब आपने गुड्स के बदले कुछ गुड्स लिए और साथ ही साथ कुछ पैसा भी ले लिया, लाइसेंस का मतलब जब आप सरकार से परमिशन लेते हो कोई भी लॉफुल काम को करने के लिए, बिजनेस को करने के लिए, रेंटल मतलब जब आप कोई भी चीज किराए पर देते हो, जब आपको मंथली किराया मिलता है, लीज का मतलब जब आप लंबे समय के लिए कोई चीज किराए पर लेते हो और वहां पर आप नेसेसरी चेंजेस कर सकते हो बिना मकान मालिक के दखल अंदाजी के, डिस्पोजल का मतलब किसी भी तरह से वो आपके पास से हट जानी, चाहे वो कंजम्पशन हो, डिस्पोजल हो, टूटना फूटना कुछ भी हो, वो डिस्पोजल हो जाता है। ठीक है, मेड और अग्रीड टू बी मेड का मतलब होता है कि जरूरी नहीं है कि वो सप्लाई आप तुरंत करो, आप उसको बाद में भी दे सकते हो।
कंसिडरेशन का मतलब सिंपली होता है समथिंग इन रिटर्न, कंसिडरेशन का मतलब सिंपली होता है समथिंग इन रिटर्न, वो कैश में भी हो सकता है, वो अदरवाइज भी हो सकता है, वो रेसिपिएंट के थ्रू भी हो सकता है, वो किसी थर्ड पार्टी के थ्रू भी हो सकता है, सप्लाई के बदले अगर आप कंसिडरेशन दे रहे हो, अगर आप कुछ पैसा दे रहे हो तो दैट इज नोन एज कंसिडरेशन। कंसिडरेशन में हम लोगों ने एक डिपॉजिट वाला क्लॉज पढ़ा था, डिपॉजिट वाला प्रोविजो पढ़ा था, जिसमें उसने कहा था कि डिपॉजिट को कंसिडरेशन नहीं माना जाता है, डिपॉजिट को कंसिडरेशन तभी माना जाएगा जब उस डिपॉजिट को अप्लाई किया जाएगा अगेंस्ट दैट सप्लाई एज अ कंसिडरेशन। ठीक है, अगर मैं आपको सिक्योरिटी डिपॉजिट दे रहा हूं तो दैट इज नॉट ट्रीटेड एज रेंटल। ठीक है, लेकिन हाँ, सिक्योरिटी डिपॉजिट को आपने रेंट की तरह से यूज कर लिया, देन ओनली इट विल बी ट्रीटेड एज पेमेंट मेड फॉर दैट सप्लाई। ठीक है, आई सिंसियरली होप आप लोगों को आज के सेशन में मजा आया होगा, यहां तक की चीजें आप लोगों को समझ में आई होंगी। ये बाकी जो क्लैरिफिकेशन है उनको अगली क्लास में करेंगे, और उसके बाद हम लोग कुछ क्वेश्चन करेंगे, और उसके बाद हम लोग आगे चलते रहेंगे। ठीक है, तो आई होप यहां तक की बात आप सब लोगों को समझ में आ गई। बोलो निश्चय 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 बोलो निश्चय निश्चय निश्चय। यस, बहुत बढ़िया, पूरे जोश के साथ हम लोगों का एक सप्लाई ऑफ जीएसटी का, सप्लाई अंडर जीएसटी का पहला लेक्चर कंप्लीट हो चुका है, और वीडियो को आप लोग यूट्यूब पर लाइक कर दीजिएगा, जितने भी स्टूडेंट्स इसको यूट्यूब पर देख रहे हैं, दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट, थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू यार, थैंक यू सो मच एवरीवन। ठीक है, थैंक यू सो मच एवरीवन, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए, आई विल सी यू गाइस टुमारो एट 3 PM, टेक केयर, बाय बाय।